This conference will now be recorded. हेलो 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 या गुड इवनिंग हाँ, मे टू आई ऑल. ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल सर. गुड इवनिंग टू ऑल. टुडे इज द लास्ट हेलो सेशन ऑफ दिस भेषज रचना परिषद ड्रग डिजाइनिंग इन आयुर्वेद. For this session, we have an eminent speaker and academician, Dr. Lakshmikant Dwivedi, sir. He is former professor and HOD of Rasashastra and Bhashya Kalpana Department, NIA Jaipur. He has done his BAMS, MD and PhD from University of Rajasthan, Jaipur. His PhD topic was Rudrayamal Paradkalpa, ek samikshatmak adhyayan. He has total 47 years of professional experience. He was managing director at IMPCL, also drug manufacturing in Ayurved pharmacy. To conduct herbal cultivation and collection, drug production and business effective liaisoning with units of consumer departments for development and financial management to achieve target and to increase production. He has significant contribution. Significant contribution in the field of teaching. He is recipient of merit certificates and scholarships from the University of Rajasthan, Jaipur. He has given training to foreign scholars of drug manufacturing under cultural exchange program, Mongolian delegation and Sri Lankan delegation under Colombo plan. He is ex officio member of Ayurvedic Pharmacopoeia Committee and Single Drug Subcommittee and formulary subcommittee. He is eminent Ayurved expert at TKDL project CSIR 2006-7 to till date. He is chairman institutional advisory committee at Central Research Institute, Jaipur. He has guided many MD and PhD students in Rasashastra and Bhaisharya Kalpana. He has been bestowed with many awards. Few are WHO Fellowship 3 months in health management, Adhyapaka Award given by Pune District Education Ayurved College and Research Center, Ayurved Piyush Pani by 57th All India Ayurved Congress, and Rasacharya Award given by Bharatiya Vaidya Samanvay Samiti, Nagpur. With this brief introduction, I request sir to start his session. Thank you. Sir, please start. नमस्कार। जो आज का टॉपिक है योग सूत्र संश्लेष और संयोग है, किंतु आज हम कि जब हम पाते हैं और दूसरा जान बात आती है बीएम स्टैंडर्ड जो 50-60 सालों से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं हम लोग, उसमें हमारी स्थिति ये रसविद्या गुरु वाली नहीं हो पाती। और जबकि सभी आशा करते हैं सब रसशास्त्र का प्रोफेसर हेड होगा तो उसको ये सब होना चाहिए, किंतु उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो इतने लोअर स्तर पे है कि हम रसशास्त्र को कैसे डेवलप करें ये भी सोचना पड़े। आयुर्वेद के बारे में हम लोग समझते हैं कि सब आयुर्वेद को हम मेडिकल साइंस से तुलना करने जाते हैं, किंतु वैसा नहीं करके, और आयुर्वेद जीवन दर्शन है और हमेशा स्वस्थ रहें, कभी व्याधित हो ही नहीं उसके लिए जो प्रयास करते हैं उसको हम स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। तो पहला प्रयोग जन तो आयुर्वेद का यही है कि तो जब हम
नकल करते हैं या वर्तमान युग जैसे चिकित्सा विज्ञान के आधार पे हम लोग कुछ करते हैं, तो पहले त्रिसूत्रात्मक आयुर्वेद था, फिर अष्टांग हो, थोड़ा इसको भी हमको देखना चाहिए, किंतु जो वास्तव में है वो रसायन का कॉन्सेप्ट हमको रखना है। दीर्घ जीवन के लिए प्रयास करना है। पथ्य आहार ये औषध के पर्याय हैं, और स्वस्थ रहे नियंत्रण कर पाए उसके लिए हमको पहला जो प्रयोजन है उसकी पूर्ति में जितना हम अभ्यस्त होंगे उतना हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इमरजेंसी या क्राइसिस नहीं होगा। तो जितना कुछ आजकल का जो स्थिति हम देखते हैं वो पहला प्रयोजन हम छोड़ चुके और डॉक्टर बनने गए हैं इसलिए है। हम जब वेद की संकल्पना करते हैं तो जीवे वह शरद शतम पश्ये वह शरद शतम ऐसा करके 100 साल की पूर्णायु हमें प्राप्त हो, उसके साथ में सभी इंद्रियां भी स्वस्थ रहे और सारे उसका संसाधनों का शरीर के साथ में मानस स्वस्थ मन के साथ में उपयोग कर पाए, उस दृष्टिकोण से जो हम लोगों को 100 साल जीने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए जो आयुर्वेदो अमृता नाम जो बोला उसमें तभी पूर्ति होगी, और पहले पूर्णायु 400 साल की होती थी और हर एक युग में पादक क्षय होकर के आज पूर्णायु कलयुग में 100 साल की है, किंतु 100 साल भी पूरा होना ये बड़ा धैर्य का काम है और साधना का काम है, जिसको औषधि सेवन से नहीं कर पाएंगे, बल्कि जीवन यापन स्वस्थ व्रत की पालना करते हुए आचार रसायन को हम फॉलो करेंगे तब ये स्थिति बनेगी। और जहाँ तक बात आती है संश्लेष और विश्लेष की योग सूत्रों में, तो उसका जो प्रयोजन बेसिक है वो अल्पस्यापि महार्थत्वम् प्रभूतस्य अल्पकर्मता कुर्यात् संश्लेष विश्लेष। तो ये संश्लेष विश्लेष हमको करना है औषधि निर्माण में या चिकित्सा व्यवस्था में। ये आहार के लिए भी आता है, पथ्य के लिए भी आता है, और व्याधित हैं तो चिकित्सा के लिए भी आता है, क्योंकि चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित्तम प्रतिस्थापनम हितम ऐसा करके जो कुछ भी लिखा है उसको यदि समझे तो उसके लिए हमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये संश्लेष और विश्लेष काल संस्कार और युक्ति से होता है। रसशास्त्र का महत्व है, रसशास्त्र के चार प्रयोजन है, ये सभी मैं रिपीट नहीं करता हूँ, हम लोग जानते हैं, और सब थोड़ी सी भी औषधि है और उसका अल्प मात्रा उपयोगी तो अल्प मात्रा में होगी तो अरुचि की भी शंका नहीं रहेगी और शीघ्र आरोग्यदायी होगा, इसलिए औषधियों से अधिक रस को महत्व दिया है। किंतु ये रस शब्द है और औषधि से अधिक है, तो रस शास्त्र में रस शब्द किसको कहते हैं? केवल मरकरी से बनने वाली औषधियां रस शास्त्र नहीं है, बल्कि जैसे आयुर्वेद में ड्रग एक्ट में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जो कुछ भी ड्रग हैं उन सबको हम लोग आयुर्वेदिक औषधि कहते हैं, वैसे ही रसशास्त्रीय ग्रंथों में ये बात अलग है कि सब आयुर्वेद के जो शेड्यूल ग्रंथ हैं उनमें भी मोर देन 30% रस ग्रंथ हैं। और रस जो है रसो हर्षे रसो विषे स्वर्णादि धातुसु ऐसा करके रस शब्द कई अर्थों में आया है, अकेला मरकरी के लिए नहीं। और यहाँ रसशास्त्र में भी रसशास्त्रीय क्लासिफिकेशन में जो भी आगे आएगा वास्त है उनमें जो कुछ औषधियां हैं वो सभी रसौषधियां हैं। आवश्यक नहीं कि उसमें धातु हो या विष हो या हम पारद का योग बनाए तभी उसको रस कहेंगे, और इसके कई एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं कि सब भुवनेश्वर रस, भुवनेश्वर चूर्ण, भुवनेश्वर वटी रस, तो ये तो काष्ठौषधियां ही है और घर का धुआं इसमें डालते हैं और इसको हमने रस संज्ञा दी। तो ऐसे बहुत से इवन अविपत्तिकर चूर्ण भी रसौषधि है क्योंकि आयुर्वेदिक ग्रंथों में नहीं है और रस ग्रंथों में सबसे पहले लिखा गया। और इसी तरीके से जो सिद्धसार चूर्ण है वो लोह दोष निवारण के लिए काम में आता है और उसमें कहीं भी रसौषधि या मेटल वगैरह नहीं है फिर भी हम उसको रसौषधि कहेंगे। तो इस तरह से रसशास्त्र में रसौषधि की परिभाषा को थोड़ा सा हमको डिफाइन करना पड़ेगा, और अगर सभी विद्वान लोग सही समझें तो इसको हम विचार सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बियर मिनिमम स्टैंडर्ड पढ़ाने में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने में ही काफ़ी समय लग जाता है, जितना कि हम लोग उसको पढ़ते पढ़ाते हैं सिलेबस में उसमें बच्चा समझ नहीं पाता इस बात को। तो
साध्येषु वेद्यं सर्वम् ईरितं तत्ववेदिना। साध्या साध्या के साथ में आयुर्वेद के लिए तो है कि जो चिकित्सा जितनी भी लिखी है संहिताओं में वो साध्य व्याधियों के लिए है, किंतु रसौषधियां है वो असाध्य में भी दी जाए, और उसका इसलिए रसास को श्रेष्ठ बताया। तो रसास का महत्व भी है और साथ में आयुर्वेद में जहाँ एक सीमा है उससे आगे बढ़ के रस चिकित्सा है, और इसके लिए यावत स्वच्छति प्राणी यावत भेषज मत्ति च, आजकल तो काफी डेवलप्ड हो गए हैं, सूचिकापरण रस वगैरह से हम लोग एग्जाम्पल देकर के बताते हैं कि रक्त भेषज संपर्कात ऐसा करके चिकित्सा में उसका प्रभाव जल्दी होता है, या जिह्वा के अधः उसका शोषण जल्दी होता है सूक्ष्म होने के कारण से, इसलिए रसास की औषधि उसको अंतिम मात्रा के रूप में भी चटाते हैं। तो ये सारी बातें आती है यावत भेषज मत्ति च। तो आजकल तो ट्यूब से भी हम दवा दे सकते हैं, और वो देना चाहिए कहाँ तक, जब तक कि कंठ में प्राण है। यहाँ रसशास्त्र आयुर्वेद में आया तो ओरिजिनल जो मूल रस ग्रंथ हैं वो तो प्राय उपलब्ध नहीं है, जो कुछ आज हमको मिलते हैं वो मध्यकाल के संकलन ग्रंथ हैं, और वो रस सिद्धों से वेद्यों ने सीख करके रसशास्त्र को आयुर्वेद में समाहत किया, उस दृष्टिकोण से उन्होंने कुछ एक विचारधारा रखी, और उसके लिए एक सूत्र यहाँ मिलता है कि आयुर्वेद विधाम किसको कहते हैं साहब, जिसको अष्टांग हृदय का ज्ञान है, क्योंकि वृहत्त्रयी में जो स्थिति है उसमें चरक सुश्रुत और वाग्भट के रूप में जब देखते हैं तो साहब वो दोनों का जो है संहिताओं का वो वाग्भट में पूरा मिलता है, इसलिए और वाग्भट के परंपरा में जिन लोगों ने रस ग्रंथ लिखा उन्होंने इस बात को लिखा। तो रस पद्धति के प्रारंभ में निष्कपट बुद्धि से निर्विघ्न ईश प्रिय आयुर्वेद विधाम, ठीक है ना, मुदे सुभिज्जाम ऐसा मया बिंदुना। तो बिंदु ने रस ग्रंथ लिखा रस पद्धति, और किसके लिए लिखा, आयुर्वेद का जिनको ज्ञान है, किसका, अष्टांग हृदय आदि वृहत्रयी का जिनको ज्ञान है उनके लिए विभिन्न ग्रंथों से सार लेकर के और सूत्र रूप में एक पुष्प निचय और माला की तरह हमने रस पद्धति संग्रथित की है, ऐसा करके उन्होंने एक सूत्र दिया। और ये बिंदु जो है ये आयुर्वेद की परंपरा में ही है, किंतु जो आयुर्वेद के वेद्यों ने सिद्धों से रसशास्त्र सीख करके और आयुर्वेद में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो ग्रंथ लिखे वो रस ग्रंथ आपके सामने हैं, और वो भी पूर्ण नहीं मिलते, या सूत्र रूप में मिलते तो उनकी टीका करनी पड़ती है, और ऐसे कई ग्रंथ के उदाहरण आपको मध्यकाल में संकलन ग्रंथ के रूप में मिलेंगे। और एक रसास का महत्व ये भी है कि क्लास 1 प्रिजर्वेटिव में हम लोग नमक को लेते हैं, शहद को लेते हैं, शक्कर को लेते हैं, गुड़ लेते हैं, तो वैसे ही इन्होंने लिखा था किचन में या पिकनिक में कहीं जाएं और अगर साथ में लवण ले जाना भूल जाएं तो फिर उस पिकनिक का मजा बिगड़ जाता है, ऐसे ही अगर किचन में लवण नहीं है तो उस किचन में जो कुछ भी औषधि बनेगी उसमें रुचि नहीं होगी। तो सब सारे व्यंजन हैं उनमें जो मुख्य है वो लवण है, जिससे लावण्य आता है, और वैसे भी विद साल्ट और विदाउट साल्ट अगर चपाटी बनाते हैं तो सेल्फ लाइफ किसकी ज्यादा होती है ये हम लोग विचार कर सकते हैं, इसलिए ये लवण जो है उसके बिना लवण रस जैसे शास्त्र अन्न में है वैसे ही औषधियों में पारद या रस शास्त्रीय द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तब रसौषधि महत्वपूर्ण हो जाएगी और रसशास्त्र का महत्व बढ़ेगा। अब ऑथर्स जो हैं संकलन ग्रंथ हैं संकलन करते हैं तब वो पहले ही प्रामाणिकता के लिए स्पष्ट लिख देते हैं कि मैं जितने भी मुष्टि योग बहुत सारे हैं रस चिकित्सा के लाखों योग हैं, तस्य प्रकारा संति कोटि सा जानना मूषना में हम लोग देखते हैं, तो किसी योग नाम या योग का SOP या उसके उसमें रटने की या उलझने की जरूरत नहीं है, और उनमें से जो कार्यकारी हैं प्रैक्टिस में आ रहे हैं और व्यवहार से हट गए, जिनमें रेयर ड्रग्स काम में आ रही है या जिनके रिजल्ट प्रामाणिक हैं, ऐसे योगों को मैंने छोड़ दिया है संकलन में। तो रसेन चिंतामणि में एक ये जो सूत्र है ये ग्रंथ की प्रामाणिकता और फॉर्मुलेशंस के हैं उनकी प्रामाणिकता के लिए एक रूप में हम इसको समझ सकते हैं। तो योग शब्द आता है तो योग सूत्र की बात आती है, तब योग की बात करते हैं तो धर्मार्थ काम मोक्ष में
जो मोक्ष प्राप्ति के लिए योग साधना का महत्व है, और उसका उद्देश्य किन्हीं दो चीज को जोड़ना नहीं है, और जोड़ना है तो उसकी जो युक्ति है वो क्या होगी जोड़ने की, कि सब संसार से पार लगे, पुनर्जन्म के उस जन्म मरण के चक्कर में हम नहीं रहें और हमारा मोक्ष हो जाए। तो संसारो तरणे युक्तिर योग शब्देन कथ्यते, ये काकभुषुण्डूपाख्यान का है। और कर्मयोगेन देवेशी प्राप्यते पिंडधारणम संसार, ये शरीर कर्म योग के कारण से हमको मिलता है, और इसलिए कर्मयोग और पवन योग ऐसा करके होता है। तो रसस्य पवनश्चेति, कर्म योग के दो भेद बताए, और उनमें से पवन योग थोड़ा हठ योग वाला काफी कठिन काम है, उसके लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, और जो शरीरमान शरीर है वो उसका स्वभाव है, इसलिए रस योग से शरीर को हम स्वस्थ कर सकते हैं इतना करके, और स्वस्थ शरीर से पवन योग साधना करके, हठ योग साधना करके या खेचरी साधना करके हम मोक्ष की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। तो केवल अकेला रसयोग से हम लोग अमर हो जाएंगे या मोक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं है, और जो भी रसयोग से हम स्थायी पिंड शरीर दें, उससे उसके बाद में शरीर से अभ्यास करके और चतुर्वर्ग साधना के लिए काम करना पड़ेगा, और उसमें क्षेत्रीकरण और आचार रसायन और काफी कुछ लंबा चौड़ा है जो हम लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस में हैं। चिकित्सा में केवल चिकित्सा के योग हम लोग पढ़ते हैं, रसायन योग पे कम स्ट्रेस है, और वैसे तो स्वर्ण प्राशन के नाम से जो कुछ हो रहा है हम लोग जानते हैं, बाल रसायन के रूप में उसको ले लीजिए या मेधा जनन संस्कार के रूप में ले लीजिए, किंतु क्या हम रस शास्त्रीय सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं क्या वहां पे, इसको भी विचारना है। और भारत की जो अवस्थाएं हैं उसके आधार पे भारत से वायु से तुलना करी और मन से तुलना करी, और इसमें यह बताया कि वायु का और रस का समानत्व है और वो अनवद्य है, इसलिए भारत में जैसे पवन के लिए लिखा है, मूर्छित पवन है वो व्याधि नाशन होगा, मृत पवन से जीवन आएगा, और बद्ध पवन से खेचरी सिद्धि प्राप्त होगी, ये प्राणायाम आदि और जो अष्टांग योग है उसके लिए लिखा है। तो उसके आधार पे रस और वायु में जो है वो ये परस्पर संवाद रूप में इन्होंने बताया कि ये समान है, और इसलिए रस योग और पवन योग में से कर्म योग कोई एक आप अवलंबन कर लें और साधना करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। योग शब्द से द्रव्ययोः द्रव्याणां परस्पर योजनम्, युजिर योगे शब्द से नवीन विशिष्ट गुण का प्रादुर्भाव, जो पृथक पृथक में नहीं है द्रव्यों में वो मिलित योग में समुदित प्रभाव से वो आता है, और इसमें मुख्य रूप से जो विरोध वाले हैं अहितकर संयोग है, इनकम्पेटिबिलिटी, वो संयोग कुछ संहिताओं में दिए हैं, उनके अलावा कुछ नया सर्वमान्य अभी तक जुड़ा नहीं है, और जो विरुद्ध वीर्य के संयोग वहां दिए हैं उनको भी चिकित्सा में हम लोग काम में लेते हैं प्रयोजन बेस से। और संयोग फिजिकल मिक्सचर होगा, केमिकल मिक्सचर होगा, भौतिक और रासायनिक संयोग, या विकृति विषम संयोग कह सकते हैं केमिकल उसको, और चिकित्सा सिद्धि हेतु युक्ति या योजना की योग निर्माण में भी अपेक्षा है। तो सब युक्ति क्या है, तो मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठत्युपरि युक्ति ज्ञो द्रव्य ज्ञान वताम सदा। अब युक्ति शब्द जो है यो तो शास्त्रीय संदर्भ में बड़ा लंबा चौड़ा महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, और काफी अच्छे आर्टिकल भी आपको देखने को मिलेंगे, किंतु एक लेमैन की भाषा में बोले तो अनपढ़ आदमी गांव में जुगाड़ से काफी कुछ आविष्कार पेटेंट कर लेते हैं, और इंडिया में इसके काफी उदाहरण है। तो यहाँ पे युक्ति शब्द को अपभ्रंश रूप में जुगाड़ भी बोल देते हैं, तो ये सर्वमान्य तो नहीं है किंतु फिर भी वो भी आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उस आधार पे हम इसको लेंगे। और जहां तक योग सूत्र में नामकरण का सवाल है या जो उद्देश्य है उसमें उन्होंने लिखा, यदि ये न प्रधान है न द्रव्यम समुपसृज्यते तत्संज्ञक स योगो वही भवति इति विनिश्चय। तो एक सामान्य रूप से है सब उनके परिणाम के आधार पे, गुण के आधार पे, मात्रा के आधार पे योगों के नामकरण होते हैं, कि जैसे त्रिफला है तो आदि द्रव्य के आधार पे प्रधान जो है त्रिफला है, इसलिए त्रिफला गोकुलो। तो
और उसमें नोट रखे सभी एक एक कर लिए, तब उसका नाम हमने नवकार्तिक गुगुलो रख दिया, या सोन, ऐसे बहुत सारे कोई फल के प्रदर्शक हैं, या इस तरह से नामकरण में काफी कुछ रसशास्त्रीय द्रव्यों में आयुर्वेदिक योग सूत्रों में देखने को मिलते हैं। योग की रचना विधि को देखें तो शास्त्रीय क्रम में तो ड्रग डिजाइनिंग या जो भी इस महीने का आपका चर्चा का विषय है उसमें आपने काफी कुछ नया सुना होगा, किंतु शास्त्रीय क्रम बिल्कुल अलग है। और आज हम मॉडर्न से तुलना करते हैं वैज्ञानिकता प्रमाणित करने के लिए, और एविडेंस बेस्ड या जो भी है उसके आधार पे देखें तो सब आज की बुक्स में जो योग विज्ञान का हम कुछ देखते हैं तो योग रचना विधि के नाम से मेन ड्रग होगा, उसमें सहायक द्रव्य होंगे एडजुवेंट या कंटेंट्स बोलेंगे, और कुछ सहयोगी द्रव्य होंगे वो सेनर्जिक इफेक्ट होगा, या संतुलनक होंगे जो बैलेंस बनाते होंगे, या कल्पना के लिए आधारभूत द्रव्य होंगे जो उसको स्वरूप प्रदान करते हैं गंध वर्ण रस के रूप में, और वो द्रव्य पहले मौलिक एज ए होल काम में लेते थे और आजकल केमिकल और इस तरह से काम में आ रहे हैं। रसशास्त्र इसके उदाहरण है कि रसशास्त्र में प्राय ज्यादातर द्रव्य कृत्रिम ही काम में आ रहे हैं और आते थे, और बचाव के लिए वसनाव को ही देखें तो सब वसनाव में एंटीडोट उसमें मिला दिया तो सब टंकण उसमें डाल सकते हैं तो उससे उसका कुछ हानिकारक प्रभाव कम हो जाएगा, और उसके अलावा साधन या माध्यम जो है विकल उसको कंपोनेंट्स के वो भी हम इसमें गंध वर्ण रस उस तरह से लेते हैं। तो इस तरह से करके योग विज्ञान में योग सूत्र में आदर्श योग सूत्र बनाने के लिए या अलग अलग कल्प योग डोजे फॉर्म बनाने के लिए हमको इनका सहारा लेना पड़ता है। अब अष्टांग हृदय में जब देखते हैं तो वो कहते हैं साहब प्रधान द्रव्य का स्वरूप क्या है ना, उनका रस वीर आदि भेद से हमने यथास्थल काफी कुछ परिचय और उपदेश दिया है, और अतः प्रधान द्रव्याणाम रसादि भेदी तो कुछ स्वरूप से अनुमान से और इनके भेदादि को हम लोग देखते हैं। तो आजकल तो एविडेंस बेस्ड और इस तरह के प्रामाणिक स्वरूप में कुछ चाहिए, किंतु अनुमान प्रमाण एक ऐसा है शोध में वो उसका आयुर्वेद में रसास में तो अवलंबन है और रहेगा। एकदम साइंटिफिक हम इसको कहना चाहें तो फिर आप सारी टर्मिनोलॉजी बदल के मॉडर्न मेडिकल साइंस में ही पढ़ लीजिए, क्यों हम रसशास्त्र को आयुर्वेद को या इनको पीछे देख रहे हैं। WHO भी इसी लाइन में देख रहा है, वो हर एक चीज को पीछे कोई छूट तो नहीं गया इसलिए स्क्रीनिंग कर रहा है, इसको भी हमको विचारना चाहिए। सुवर्ण के गुण दिए हैं, सुवर्ण ब्राह्मण है, स्निग्ध है, मधुर है, रसपाक में विष दोष हर है, शीत है, कषाय है और रसायन है। तो शास्त्रीय संदर्भ में स्वर्ण के गुण क्रम दिए तो ये दूसरे जितने भी हैं तो सुवर्ण इत्यादि शुभो शुभोधम ऐसा करके रुपये के गुण, ताम्र के गुण, कांस्य के गुण, तो सरलोह के गुण त्रपुषिषु गुणः कृष्ण लोहस्य गुण अयो रजः। अष्टांग संग्रह में पांडु रोग अज्ञानाम लिखा है काशी सम अम्लम सक्षारम कषायोष्णम, इस तरह से कित्त कषाय मधुर शिशिर ये मंडूर के लिए दिया है। अलग अलग ग्रंथों में रसशास्त्रीय द्रव्यों के या जो इस तरह के द्रव्य हैं उनके जो उन लोगों ने लंबे समय तक अनुभव करने के बाद में जब जन स्वीकार्य हुआ तब उसको शास्त्र रूप में प्रस्तुत किया, अब हम इसको वापिस रिसर्च कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी बदल के, बाकी इससे बदलाव नहीं आएगा कितना ही शोध कर लें, ये बेसिक जो गुण हैं वो रहेंगे, और इसी के लिए इन्होंने ये क्रम में एक वो दिया है कि इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत् संप्रयोक्तव्यम् न मीमांस्यम कथम चन। तो जब आज नए नए टर्मिनोलॉजी और इसको लेकर के हम च्यवनप्राश के कार्मुकता पे अगर हम कुछ शंका करें तो सब नहीं, हमारी जठराग्नि ठीक होना चाहिए, और च्यवनप्राश अगर लेंगे तो रसायन गुण होगा जो फलश्रुति लिखी वो सा होगा। अब इम्यूनो मॉड्यूलेटर और इस तरह के जो नए शब्द आते हैं और उसमें हम च्यवनप्राश को वहाँ कुछ कहना चाहते हैं तो वो उनकी लैंग्वेज में नहीं समझ में आएगा, उनको जो फॉर्मूला है वो आयुर्वेद का है और आयुर्वेद के तरीके से ही हम समझ समझा सकते हैं, विटामिन सी के आधार पे या ऐसा कुछ सोचे ऐसा नहीं। तो भेषज कल्पना में शब्द जो बनता है वो ये क्या है कि काश्यप में औषध और भेषज में कुछ डिमार्केशन किया है, बाकी चरक संहिता वगैरह में ऐसा नहीं है, किंतु धर्मशास्त्र में वैदिक लिटरेचर में देखते हैं तो कुछ ऐसा हमको मिलता है द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत चिकित्सा के आधार पे, उसको हमको विचारना चाहिए कि
भेषज जो है वो मणिमंत्र औषधि के आधार पे है, अद्रव्यभूत चिकित्सा औषध है, और ओषो नाम रसस तस्मात यद दीयते तद ओषधि, इस व्युत्पत्ति से उन्होंने औषधि शब्द ऐसा रखा है। अब भेषज कल्पना, ये फार्माकोन का भेषज और औषध करके हमने कुछ, तो मॉडर्न के साइंस में जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम कुछ तारतम्य से निकट नियरतम अधिकतम सन्निकृष्ट है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं मिलेगा, जैसे रस चिकित्सा या रस शास्त्र का ट्रांसलेशन आप आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस कर दो तो वो परफेक्ट नहीं है। वो तो जहाँ पे रस चिकित्सा है वहाँ क्लिनिकल तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए जो लोह वगैरह हैं उनके लिए भी उन्होंने लिखा है कि सब रसी भवन हो जाता है, और विभिन्न महाव्याधियों को ये जो निरुद्ध लोह हैं वो नष्ट करते हैं। तो सर्वाणि लोहानि रसी भवन्ति निघ्नन्ति युक्तानि महामायाश्च, तो तत्र रसगतौ धातु से अहरम अहर अहर हम गच्छत्य तो इति रस, तो ये व्युत्पत्ति दिया है। और वागति गंधर्वयोः से वायु को भी इसके साथ हम देख सकते हैं कि सब वात को नियंत्रण करना एक काम है, और प्राय व्याधियां भी ज्यादा वात की ही बताई है। और उस लाइन में भी विचार करें तो एक तो ये समझ लें कि आजकल हम लोग रस चिकित्सा को या रस शास्त्र को व्याधि प्रत्यनिक औषध मान के जो एक समझ हम डेवलप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अष्टांग हृदय विद या आयुर्वेद विद जो लोग हैं उनके लिए रस शास्त्र लिखा गया, और बिल्कुल आयुर्वेद के सिद्धांतों पे परफेक्ट परीक्षण करने के बाद में रस पद्धति वगैरह ग्रंथ आयुर्वेद के परंपरा के विद्वान रस वेद्यों ने लिखा, और इसलिए इसको समझना चाहिए। और इसी परिपाटी से सभी रोगों का चिकित्सा रस लोहे विषय तत्र योगी रक्षे यथागमम, तो सब शास्त्र सम्मत जो है रस से लोह के लिए, विष के लिए, पारद के लिए, इनके बनने वाले योगों को आगम सम्मत हम प्रस्तुत कर रहे हैं, यह इन्होंने लिखा। फिर संस्कार साध्य द्रव्यों का एक स्वरूप दिया है, तो वास्तव में क्या है कि संस्कारों नाम गुणांतरा दानम, तो ये जो संश्लेष और विश्लेष होगा वो काल संस्कार युक्ति से होगा, किंतु संस्कार में ते गुणा गुणांतरा दान कैसे होता है उसमें वो तोयाग्नि संधिकर्ष वगैरह पूरा लंबा चौड़ा एक चैप्टर है, उसको हम समझें। और जहाँ रस योग निर्माण की बात आएगी, पारित के संस्कार आएंगे, जारणा मोचना आएगी, वहाँ ये संस्कार साध्यता का ये जो सूत्र है ये महत्वपूर्ण है, और हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। और जब विषाक्तता या इस तरह की बात आती है तब हम इधर उधर देखते हैं, और रस शास्त्र में, औषधि निर्माण में, शोध कार्य में इसका कितना का उपयोग हुआ ये महत्व आप देखिए कि साहब जो भी रस शास्त्रीय द्रव्य क्लासिफिकेशन में है वो सब कैसे हों, ग्राह्य हों, विशुद्ध हों और विधि पूर्वक संसाधित हो, संस्कारित हो, इसका मतलब शुद्ध और सिद्ध औषधि होगी, मतलब जिनका भस्म बनना है उनका भस्म बनेगा, जिसका पिष्टि बनना है उसका पिष्टि बनेगा, उसके बाद पारद के संस्कारों में, जारणा मोचना में और आगे काम आएंगे। इवन यहाँ तक कि जहाँ पाचन संस्कार करते हैं, पांचवा संस्कार है, वहाँ हम धातु पिष्टि बनाते हैं, और मॉडर्न केमिस्ट्री के आधार पे ये जो ज्ञान हमारा बढ़ गया उसकी वजह से रस शास्त्र थोड़ा पिछड़ा हुआ है। जबकि शास्त्रकार ये कहते हैं कि साहब हमको जो भी कुछ करना है वो ऐसा करना है जो निरुद्ध हो, है ना, या उपयुक्त हो, कि साहब आपने दीपन कर दिया उसके बाद में उसको गेहूं या गेहूं का आटा दे दो तो कोई दुआ मिलने वाली नहीं है, उसको हलवा या इस तरह का कुछ रेडी टू यूज बना के देना पड़ेगा। तो आजकल जैसे रिएजेंट हम लोग रखते हैं केमिकल के केमिस्ट्री लैब में, उसी तरह से रसायनिक द्रव्यों को रॉ मटेरियल स्टोर नहीं बना के उनका उपयोग योग्य बना के फिर स्टोर करने का एक परिपाटी चलना चाहिए, नहीं तो सूत में सिद्धि नहीं मिलती, पारा संस्कारों में, जारणा मूर्छना में, बंध में, उसमें कहीं भी सिद्धि नहीं मिलेगी। और ये सूत्र बार बार नहीं लिखा उन्होंने, एक जगह लिख के छोड़ दिया, तो साहब रसेंद्र चूड़ामणि से इन्होंने लिया था रसत समुच्चय में, क्योंकि रसत समुच्चय में प्राय रसेंद्र चूड़ामणि को कॉपी किया गया है उस तरीके से, और चूंकि रसेंद्र चूड़ामणि में प्रयोग खंड नहीं है इसलिए वो प्रैक्टिस में दूर है, और आप लोग उसको पढ़ते पढ़ाते नहीं होंगे तो इसको भी विचारें। और उसके साथ जो कारण दिया है वो दिया कि महारस आदि सारे हैं वो कठोर देह होते हैं, वो भस्म बनाएंगे तब ये सूत योग्य होंगे, मतलब पांचवें संस्कार में पातन में हम जो पातना पिष्टि बनाते हैं वहां जो ताम्र चूर्ण या अन्य धातुओं के चूर्ण ले लेते हैं वो हम गलत कर रहे हैं, और शोध तो हो ही रहा है तो कोई फेल तो होता नहीं है शोध,
एनीवे देखिए तो साहब, यही चीज रस जलनिधि में भी तीसरे वॉल्यूम में जहाँ योग निर्माण शुरू होता है ज्वरादि चिकित्सा का, वहां एक जी के लिख दिया। आगे फॉर्मुलेशन में जहां भी डालना है वो इसको विचार करके डालना है, किंतु कोई ऐसा करता नहीं है। संश्लेष और विश्लेष में हम लोग एक परिपाटी या परंपरा को ही ले रहे हैं, किंतु वो शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिक या केमिस्ट्री के आधार पे वो शुद्ध हो सकता है, किंतु जो दर्शन है और जो आयुर्वेदिक रसशास्त्रीय परंपरा है उससे हटके है। और मजबूरी ये है कि जो वास्तव में मूल रस ग्रंथ थे वो लुप्त तो हो गए, और जो वेद्यों ने रस ग्रंथ लिखे उसको भी हम ढंग से पूरा फॉलो नहीं कर रहे। रसशास्त्रीय औषध के योग निर्माण में मूल सिद्धांत के कुछ बिंदु इस स्लाइड में मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो यहाँ अमृतीकरण, लोहितीकरण, शोधन, मारण बहुत सारी विधियां हैं। पारद के संस्कार हम पढ़ते पढ़ाते हैं, उसमें भी 8 संस्कार पढ़ लिया तो बच्चा रसशास्त्री हो गया ऐसा मान लेते हैं, किंतु नहीं। सब अभ्रक के भी 7 संस्कार हैं। सब अभ्रक सत्वपातन भी होगा, सत्वपातन के बाद में कुपिपाक करके 1 फुट में या 2 फुट में हम या 3 फुट में अभ्रक सत्व भस्म बना ले ऐसा संभव नहीं है, किंतु ऐसी विधियां शास्त्र में मिलती है और उनको हमने शेड्यूल टेक्स्ट बना दिया। इसलिए जहां भी अभ्रक सत्व का भस्मीकरण का मामला आया शोध कार्यों में देखिए, अंत में उन्होंने यही लिखा कि ये 3 फुट में नहीं बनता है, आगे और इसमें काम होना चाहिए। और हर आदमी कट शॉर्ट में छोटी विधि को अपनाता है और जो प्रोसेस है उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो साहब सत्व एकत्रीकरण, एक पिंडीकरण, सत्व शोधन, सत्व मृदुकरण, उसके बाद में उसका सत्व मारण आएगा। तो ये काफी प्रोसेस है और शास्त्र क्रम में टेक्स्ट बुक में सिलेबस में नहीं पढ़ते पढ़ाए जाते, इवन एमडी तक में बच्चे उसको हाथ नहीं लगाते। तो हम लोग जब आगे रिसर्च के लिए जाते हैं तब हमारे सामने दिक्कत आती है, और ये मेरे नोटिस में तो है। आप लोग तो धीरे धीरे अनुभव करेंगे इस बात को। तो यहाँ कुछ पॉइंट है, मैं इनको पढ़ता नहीं हूँ, आपके सामने है, काफी कुछ विधान है ना। और इन सबको फॉलो करते हुए रस योगों को हमको काम में लेना है। तो संश्लेष और विश्लेष का महत्व तो समझ में आता है कि जब रसशास्त्रीय औषधियां अल्प मात्रा में कैसे होगी, सब जितनी जारणा करेंगे उतनी मात्रा कम होती जाएगी। शास्त्र क्रम में जो मात्रा लिखी है वो सामान्य लिखी है। जारणा का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी प्रसिद्धि है या प्रतिज्ञा है, उसको भी हम लोग फॉलो नहीं करना चाहते। और ऐसे ही टेक्स्ट और आधार आदर्श ग्रंथ हम लोग आज नए युग में इवन AFI तक में बना रहे हैं, और हम इसकी तरफ बिल्कुल विचार नहीं है। रसशास्त्रीय द्रव्यों का वर्गीकरण आयुर्वेद के द्रव्यों के वर्गीकरण की तरह बिल्कुल अलग तरीके से है उत्तरकालीन, और इसमें बहुत सारे वर्ग बनते हैं। 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 8 का वर्ग है और 10 का है। तो उन्होंने अम्ल पंचक, अम्लाष्टक या अम्ल वर्ग इस तरह से लिखे हैं। तो काफी कुछ रसशास्त्रीय द्रव्यों का, औषधियों का वर्गीकरण रसशास्त्रीय प्रोसेसिंग के आधार पर है, और उनको हमको समझना पड़ेगा और उनको योग निर्माण में उस उद्देश्य से अध्ययन करके कुछ हम लोग रसशास्त्र की मूल जो विचारधारा है उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अन्यथा जो स्थिति है वो मन में हमेशा शंका रहती है। तो ये मूलिका औषधियां हैं, ये ज्यादा है उसमें से कम 18 या इतनी लेकर के, सारी औषधियां लेके या एक लेके, तो 70-75 औषधियों में से आप इतने कम से कम ले लो जो आपको उपलब्ध हो, और आप इससे रस भस्म बनाने के लिए काम कर सकते हैं। योज्या पारद मारिका। तो सब रस भस्म पे काफी शोध कार्य भी हुए हैं, किंतु जो स्थिति है वो अच्छी उस तरह की नहीं है कि हम रस सिंदूर या मूर्छना जिसको कर लेते हैं उसी को कह देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही अभ्रक मारण वर्ग है, और काफी गण हैं, रस नियामक गण हैं, औषधियां और भी है, निगढ़ हैं, इस तरह से। तो वर्गीकरण का क्षेत्र रसशास्त्री काफी लंबा चौड़ा है और हम लोग उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से, भेषज कल्पना के हिसाब से कुछ काम करके, और जो कुछ सामने आ रहा है उसमें भी रसशास्त्र सिद्ध तो प्रमाणित हो ही रहा है, कोई दो राय नहीं है, किंतु अगर रसशास्त्री प्रोसेस को हम फॉलो करें तो गुणों में और उसमें काफी अंतर मिलेगा। तो ये कुछ लोह मारण के लिए कुछ गण दिए हैं प्रयोजन के आधार पे। त्रिफलादि गण है, एरंडादि गण है, किरातादि गण है, ऐसे। उसके बाद में इन्होंने वातनाशक गण, पित्तनाशक गण, वात पित्तनाशक गण ऐसा करके भी दिया है। इसका मतलब ये व्याधि प्रत्यनिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, और बिल्कुल आयुर्वेद के हिसाब से रस चिकित्सा में इनको हम समझ सकते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट है क्षारा सर्वे मलमन्यु, ये आप सभी जानते हैं, और इसका कितना हम प्रयोग कर सकते हैं। कई बार होता है सब, मैं विष से पारद को बंद करूंगा, तो विष से पारद बंद होगा कैसे? ये तो विष से तो मानदीय निग्रहण होता है, मतलब बुभुक्षा जागृत होती है, बंधन औषधि अलग है।
तो कई बार हम लोग रसशास्त्र में कितना समझते हैं उसके लिए विद्वान लोग सभा में उछाल देते हैं कि सब आर्तव से पारत बंधन होता है। हाँ होता है, किंतु वो जो आर्तव का सामान्य अर्थ है उससे नहीं होता, जो वात्परक अर्थ है उससे होता है। उससे भी केवल दीपन होगा, बंधन के लिए तो अलग उन्होंने अलग अलग औषधियां दी है और बंधन किया है। तो संस्कार है, तो सामान्य पारत के संस्कार तो ज्ञात है, 8 संस्कार, 18 संस्कार, और फिर हम उसमें एक डिमार्केशन कर देते हैं, साहब 18 संस्कार की जरूरत, 8 संस्कार की जरूरत नहीं है। सो वेद करना है तो हमको कुछ करना है, धातु वेद के लिए अलग होगा और चिकित्सा के लिए होगा, किंतु ऐसा नहीं है। 18 संस्कार जो लिखे हैं वो पारद को संस्कारित कर रहे हैं। प्रयोजन के आधार पर हम सिलेक्शन शुरू से करेंगे और देववेद के लिए क्षेत्रीकरण में उसके बाद में जो हम लोग बीज बनाएंगे वो रस बीज बनाएंगे, शुद्ध बीज, स्वर्ण बीज, संकर बीज, काफी कुछ विचार हैं, किंतु उनके प्रयोजन अलग हैं। तो केवल सोना चांदी नकली नहीं बनाया, रसास वालों ने तो रत्न उपरत्न, घी, हिंगू, कस्तूरी, कुमकुम सभी नकली बनाए और इनके वर्धन के लिए पॉसिबल एडल्ट रिकमेंड किए, और उसमें भी मानवता थी। रसयोग में अवस्था चतुर्थय के आधार पर अलग अलग प्रयोजन है। लोहकल्प में काफी लंबा चौड़ा विस्तृत ग्रंथ भी है और वो भी आउट ऑफ प्रैक्टिस है, लोग बाग पढ़ते भी नहीं है वसु विज्ञान को या इस तरह से। तो इस तरह से आप देखें तो इसमें रत्नकल्प है, विषकल्प है, और इनकी अलग अलग प्रयोग की सीमा है। विषादी, तो विषादी से जो मर्दी सूत है वो छिन्न पक्ष होगा और उसमें मुख जागृत होगा ताकि धातु का ग्रास आसानी से ले लें और उसको फिर विड़ी द्रव्यों के योग से या प्रोसेसिंग से हजम कर सकें। और अजीर्ण होता है तो पुनः पाच्यम समावधि, पुनः पाच्यम समावधि ग्रास प्रमाण के आधार पर होता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। और हम इस रास्ते में थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं और चूंकि हमको बेसिक रसास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जारणा मोचना का, बंधन का या संस्कार का, इसलिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ कि साहब सिलेबस में से ये टॉपिक हटा दो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। किंतु मेरा नम्र निवेदन है विद्वानों से कि साहब इन टॉपिक को हटाइए मत, बल्कि उनको समझाने का प्रयास करती है करिए, ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन में जब बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो उसका बेस तैयार हो। नहीं तो ये सारा समय केवल रसशास्त्र का कॉन्सेप्ट समझाने में ही निकल जाएगा। 3 साल वैसे भी कम पड़ते हैं, रसशास्त्र में विशेषज्ञ होने के बाद, पीएचडी होने के बाद भी रस विद्या तो काफी विस्तृत है, गहन है, इसलिए हम लोग उसमें अलग से कुछ नया नहीं कर पाए। काफी 1000 साल हो गए। रत्नान ये 9 है, उपरस साधन, समस्त बीज, तेल निर्माण आदि, ये सब रसशास्त्रीय क्रम है जिनमें हम लोग औषधि तेल निर्माण वगैरह में तेल बीज से तेल निष्कासन की जो पद्धतियां हैं उसको भी हमने लिया है, और उसके बाद में उसके गुण वगैरह, उसका उपयोग वगैरह सभी लिया। तो ये ब्रह्मा, जनार्दन, सदाशिव और रुद्ररूपी करके रस की 4 अवस्थाएं हैं, और चारों अवस्थाओं में अंत में जो बद्ध साक्षात सदाशिव लिखा है या मूर्छित से व्याधि नाशन होता है, तो शुद्ध रसो मूर्छितव्यो, तो सब बीमार आदमी की व्याधि निवारण अलग बात है, और स्वस्थ आदमी को बद्ध पारस से और उसका प्रयोग या मृत पारस से उसको प्रयोग करके, और इस दोनों अवस्थाओं के लिए या मूर्छित अवस्था के लिए 8 संस्कार और उसके बाद के संस्कार 19 संस्कार रिक्वायर्ड हैं, और इसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए संस्कार में एत साधयानि 19 संस्कार, संख्या जितना भी हो मानव जीवन के 16 संस्कार की तरह इन्होंने लिया है। किसी ने 18 संस्कार बताया, किसी ने 19 बताया, किसी ने 20 बताया, ऐसा मत मतांतर कुछ है। और उसके बाद में किसी ने स्वेदन संस्कार को 4थे नंबर पर बताया, और टीकाकार ने बाद में स्वेदन संस्कार को पहले वर्णित कर दिया, किंतु वास्तव में 4थे नंबर पे संस्कार है। उसमें कमेंटेटर ये कहता है कि शिष्ट दोषापन उत्तये, कि जैसे अमृतीकरण हम लोग करते हैं मेटल का, तो वो अमृतीकरण शिष्ट दोष निवारण के लिए होता है, किंतु आज धातु भस्मों का कोई भी अमृतीकरण करता नहीं, और औषधि निर्माण करके रिजल्ट शास्त्र सम्मत चाहिए और सेफ्टी प्रोफाइल में भी परफेक्ट होना चाहिए। तो शास्त्रीय क्रम को फॉलो करेंगे तो कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी, और यदि केमिकल तैयार करेंगे तो फिर हमेशा आगे दिक्कत ही है। लोग बाग यशद भस्म देने में डरते नहीं है, किंतु जिंक ऑक्साइड देने में आज भी डर लगता है। मूर्छना का कॉन्सेप्ट है, कई तरह की मूर्छना होती है, समझने समझाने के लिए कुछ लिखा, किंतु यहाँ आकर के इन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। व्याधि निवारण के लिए सद्गुण बलिचरण मिनिमम है, हम सद्गुण भी नहीं करते हैं,
और खुश हो जाते हैं जब हमने औषधि बनाना सीख लिया और रस सिंदूर वगैरह बना करके हम योग निर्माण कर लेते हैं। जबकि कजली भी बनाना है तो सरगुन बलि जा रही तो पारद लेकर के बनाना है। और जो ऐसा करते हैं वो फिर आगे आपको बताएंगे नहीं, चुपचाप अपना काम करते रहेंगे और कहेंगे हम सब AFI फॉलो कर रहे हैं, दवा बहुत अच्छी बनती है इस तरह से। दूसरा, रसायन था की जब बात आती है तब उन्होंने साफ बोला कि साहब ये ख्यात है कि जब तक स्वर्ण और अभ्रक का जारण नहीं करें, चारणा नहीं करें और उसका पाक नहीं हो या इनके साथ प्रोसेस किया हुआ नहीं हो, तब तक पारद में रसायनता स्पर्श ही नहीं करेगा। तो आगे हीरक वज्र जारण तक उन्होंने कुछ प्रक्रिया इसमें प्रिडिक्शन दिया है, किंतु हम लोग आगे बढ़ नहीं पाए। और इसके लिए 60 साल पहले जो आचार्य यादव जी ने कुछ लिखा था वही आज भी खड़ा है कि ऐसे विशेष काम करने वालों को शिक्षण संस्थाओं में बुला के और बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए। आज राष्ट्रगुरु या ऐसी भी कुछ स्थितियां है वहां भी हम इस बात को उस तरह से कितना फॉलो कर पाते हैं उसको देखें। तो ये पाठ भेद है, प्रतिज्ञा या प्रसिद्धि, इसका मतलब रस वैद्य या रस चिकित्सक जिसको बनना है। सबसे पहले ये दो बात क्लियर कर ले, बलि जारण जो है सतगुण बलि जारण और इवन कमेंटेटर ने बाद में लिखा सहस्त्र गुण बलि जारण। तो यथाशात जारणा भवि तथाशात गुण दो रस, तो बलि जारण से बलि एक सामान्य वीड है ना, और देव्या रजो भवेद गंधो धातु शुक्रम तथा भृगम, और इस तरह से करके जो कुछ भी उन्होंने दिया और जो सृष्टि से तुलना करते हुए रस चिकित्सा में रस दर्शन में शिव का वीर्य मानते हुए जो कॉन्सेप्ट दिया उसको आज केमिस्ट्री के आधार पर हम कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें तो अंतर रहेगा कि एक होलिस्टिक अप्रोच है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीजें लेकर के हम लोग जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस काम में ले रहे हैं जो कभी घुलते नहीं और ब्लड में लेवल देर से बनेगा, किंतु आजकल जो स्थिति है उस तरीके से जब तैयार तेज दवा बनाएंगे तो सीधा ब्लड में जाएंगे, तो थोड़ी सी भी मात्रा में व्यत्यास हुआ या पथ्य पालन में गड़बड़ हुआ तो जल्दी नुकसान होगा, इसको हम देखें। तो यहाँ पे ये दो बात है, इसको समझना है रस शास्त्र में, और जितना इसको करेंगे जल ताड़न की तरह एविडेंस बेस्ड कुछ नहीं मिले, कोई केमिकल चेंजेस नहीं आवे, तब भी हमको जैसे नजर उतारते और चाकू से पानी को काटते हैं घड़े में पात्र में रख के तो वहां नजर उतरती है, तो ये एक विश्वास और जो आस्था है उसको हमको रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट साइंटिफिकली कुछ करना है तो केमिस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई, स्पेशलिस्ट हो गए, किंतु रसशास्त्र उनके समझ में नहीं आता, और उनसे जब रसशास्त्र की क्वेरी करें तब वो नमस्कार करते हैं और कहते हैं सब जिसमें पैसा मिलेगा वो रिसर्च होती है केमिस्ट्री में, और जो कुछ आप क्वेश्चन कर रहे हो इसका डाटा या इसका जवाब हमारे यहाँ कहीं शोध कार्य नहीं हुआ है, इस तरह का रसशास्त्र का पूरा फील्ड खुला है। सद्गुण गंधक चारण के लिए करना है, इनमें गुणों में अंतर है, उन सबको हमको समझना पड़ेगा, और फिर इसमें जो कटसोट दिया है वो कटसोट नहीं है, किंतु उनको उस समय भी केमिस्ट्री का पूरा ज्ञान था कि सब पारद गंधक से रस सिंदूर सभी बनाते हैं कजली बना के, किंतु कहते सब हिंगुल गंधकाभ्याम पिस्ताभ्याम है ना, तो पारद गंधक की बजाय आप हिंगुल शुद्ध लेकर के उसके साथ गंधक का पिस्ती बना के कजली, तो सूक्ष्म हो जाएगी तो कजली कहेंगे, काला होना जरूरी नहीं है, और उससे रस सिंदूर बनाना। तो केवल रस सिंदूर बनाना नहीं, उन्होंने तो रस कर्पूर भी ऐसे ही बनाया है, तो उन लोगों का प्रायोगिक ज्ञान ज्यादा अच्छा था। हम लोग जो टीचर हैं और सिलेबस का जिसको कि हम लोग आजकल ऐसा बोल देते हैं कि सब ये बीयर मिनिमम स्टैंडर्ड, हम लोग पढ़ते थे तब सिलेबस नहीं था, और सब जो भी टेक्स्ट है पब्लिश है और लाइब्रेरी में है वो सब आपके सिलेबस में है, उसमें जो कुछ है वो आपका आना आपको आना चाहिए, तब आप एक्सपर्ट होगे। 4 लाइन का 4 पेपर के नाम से आगे कुछ भी नहीं था सिलेबस में, उस समय हम लोग रसशास्त्र पढ़ते थे, और आज के रसशास्त्र में काफी अंतर है कि 40% तो मॉडर्न केमिस्ट्री और इस तरह की बातें आ जाती है, और रस ग्रंथ या रसशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है वो टर्मिनोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है, और हम लोग रसशास्त्र के एक्सपर्ट निकलते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसको भी विचार करें, आत्मावलोकन करना चाहिए। और इन्होंने जो कुछ भी लिखा है तो क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्लियर दिया है, और इन्होंने कहा साहब गंधक सड़गुण गंधक जो है जारण करना है वो भी थोड़ा थोड़ा डाल करके जीर्ण बलिर बलि शात, ऐसा नहीं कि एट ए टाइम डाल दें, क्योंकि ग्रास प्रमाण और ग्रास मात्रा और सब कुछ है, तो सब जब बुभुक्षा जागृत हो जाए तब ज्यादा मात्रा दे सकते हैं, तो जारणा क्रम में हम उसको फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, और केमिस्ट्री के आधार पर कोई केमिकल कंपाउंड बना के देना चाहते हैं। जिन औषधि द्रव्यों की भावना देना चाहिए उससे भी स्वरूप में अंतर आता है, तो सब हम उसको हटा रहे हैं, सब नहीं, वर्ण अच्छा आता है, प्योर होगा केमिकल और ये हमारे लिए अच्छा बनेगा। तो
सब नहीं, गुण चाहिए तो आपको वर्ण के ऊपर स्वरूप पे नहीं जाना चाहिए, और जितनी भी औषधियां हैं उनकी भावना करके प्रोसेस करना चाहिए। और फिर इन्होंने पिष्टी बनाने के लिए, व्याधि निवारण के लिए तो गंधक जारण और इस तरह से कॉन्सेप्ट किया, और बाद में नागादि शुल्बादि से यहाँ पे वाद में और योग में जो डालते हैं पिष्टी, तो सब वो सद्गुण गंधक जारण से कार्यकारी होगा, किंतु नागभंग जो है पिष्टियाँ ये ज्यादा सेफ नहीं है, शुल्ब आदि की सेफ है। तो नागभंग कभी भी रसायन नहीं होगा, तो सेफ्टी प्रोफाइल में कभी भी नागभंग आदि को, चाहे वहां लिखा है रसायन है काम में लेना है, किंतु हमको उतना काम में उस तरह से नहीं लेना चाहिए, सावधानी से युक्ति पूर्वक कल्प क्रम में लेना चाहिए। तो सब इन्होंने वादपरक अर्थ में नागादि पिष्टी का उपयोग किया, और ताम्र तार का इनको स्वर्ण बनाने के लिए, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है और इसको रखना पड़ेगा रसास के साथ। और हेमादि जीर्ण सूत के लिए उन्होंने जो रिजल्ट दिए वो इस तरह से दिए कि सब रुद्रत्व आता है, तार जीर्ण से विष्णुत्व आता है, तो ये जो टर्म है इनका डिकोड करना मतलब इनकी जो प्रकृति है ब्रह्मांड में और इनके जो प्राकृत कृत्य हैं वो रिजल्ट हमको इस तरह से जीर्ण लोहों से मिलेंगे। और फिर उनके लिए उन्होंने मात्रा अलग दी है, जीर्ण जो लोह का पारद है रस भस्म में है उसकी मात्रा अलग होगी, रस जीर्ण करने के बाद में जो भस्म में बनती है उनकी मात्रा अलग होगी, और उसमें यव वृद्धया प्रयोक्तव्यम आदि करके दिया है, और हम उसको सामान्य भस्मों के लिए लागू करें वो भी एक विचार वाली बात है, आप लोग देखिए इसको। और अंत में ये जो लिखा है यथा स्यात् जारणा भवी तथा स्यात् गुण दो रस, तो जितनी जारणा आदि करेंगे उतना रस का गुण हम ज्यादा ले पाएंगे। ऐसा ही लोह के बारे में, षड लोह या सर्व लोह के लिए सामान्य लोह मारण के आधार में हम आयरन को ले लेते हैं, तो जहाँ लोह भस्म बनाने का तरीका दिया है वहां अंत में एक लाइन उन्होंने धीरे से लिखी स्वर्णादीन मारिये एवं, तो सब ये सभी धातुएं हैं और ये लोह के वर्ग में ही आते हैं, सार लोह और शुद्ध लोह, मिश्र लोह, पूति लोह, तो इन सब के लिए ये फॉलो होते हैं प्रोसेस। तो अयस्कति से लेकर के आगे जितने भी मारण विधियां दे रखी है लोह मारण की, उसको सबके लिए मानना चाहिए। स्पेसिफिकली स्वर्ण के लिए अलग होगा, रोपे के लिए अलग होगा, ये चल रहा है, और भस्म विज्ञान में कई मेथड कंपाइल्ड हैं, किंतु उनके सूत्र रूप में देखेंगे और उनको क्लासिफिकेशन को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो सरलोह मारण में सारे मेथड आ जाएंगे, और उसमें काल संस्कार और युक्ति से आपको ये संश्लेष और विश्लेष करने का समझ डेवलप होना चाहिए। इसके लिए मैं इसको आपके सामने लाया हूँ कि सब त्रिविध लोह मारण है, रस भस्म से मारण, गंधक आदि से मारण, मूलिका मारण, और अंत में अरिलोह से लोह का मारण। तो ये अरिलोह से लोह का मारण का एक कॉन्सेप्ट जो है वो 19वीं सदी में एक मिस कॉन्सेप्ट हुआ या 20वीं सदी में, और हम गलत अर्थों में पढ़ते पढ़ाते हैं, वास्तव में वो अरिलोह नहीं है और मित्रलोह है, या उससे निरुत्त मारण होता है। और फिर ऑथर जो है वो रसायन खंड में ये रिकमेंड करता है कि ऋद्धिवादी खंड में जो मैंने निरुक्त घात बताया लोह का, उसको यहाँ पे रसायन में प्रयोग योग्य है, जबकि अरिलोह से अगर मारण करेंगे तो उसके बाद में वो दुर्गुणकारी होगा, इसलिए अरिलोह से मारण का एक भी मेथड रस ग्रंथों में कंपाइल्ड नहीं है, केवल अरिलोह में ताम्र का अरिलोह यशद है ऐसा हजरलाल शुक्ल जी ने, और उसके बाद में इसमें आयुर्वेद प्रकाश में जो भी टीकाकार है उन्होंने उसको रिप्रोड्यूस किया। इसके अलावा कहीं भी ऐसा अरिलोह से मारण का सरलोह के लिए कोई रेफरेंस नहीं मिलता, कोई मेथड नहीं मिलता, और ये जो क्रम है उसके लिए कि सब अगर हम बिना रस के लोह को लेंगे या रस के अभ्रक के बिना लेंगे तो क्या होगा, नुकसान करेगा, किट होगा और एकत्व से शरीर में बंद होगा, और नहीं तो मल बंद होगा या किट बंद होगा, ऐसा करके एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रस चिकित्सा का, रस शास्त्र का, इसको हम भुला रहे। चपले न विला नो यह करोति पुमान यह उदरे तस्य कीटानि जायन्ते नात्र संशय, तो रस चिकित्सा में तो हमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, अयस्कति वाला और जो भी कुछ है, किंतु तो आगे जहाँ वर्गीकरण आता है वहाँ अमृतसार लोह एक सबसे पहले लोह शास्त्र का, सभी लोह के मारण का एक क्रम उन्होंने दिया, संकर मत लोह दिया, इसको हम लोगों ने एक एक फॉर्मूला मान लिया और इवन AFI में उसको रिकमेंड कर दिया, तो जबकि ये सरलोह मारण का लोह कल्प का एक कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने से ही दूर रह गए, जबकि आयुर्वेद प्रकाश, रस संकेत कलिका, रसायन चिंतामणि,
या और भी ग्रंथों में ऐसा लिखा है। तो साहब ये रस योग और रसाभ योग प्राशस्त्य के लिए है, इनकी मात्रा युक्ति के अनुसार होगी। तो यहाँ जो है वो संश्लेष और विश्लेष वाली जो बात है उसमें एक नियत मात्रा योग विज्ञान के आधार पर इन्होंने दे रखी है, और वो तयोर मात्रा युक्त अनुसारणी। तो साहब इससे अधिक लेंगे तो शुद्ध पिपासा नष्ट हो जाएगी, इसका मतलब अजीर्ण हो रहा है, शरीर में नुकसान हो रहा है, इवन मृत्यु तक हो सकती है। तो एक ये रामराज लो विधि है, मृतानि लोहानि ऋषि भवन्ति का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, और अभ्यास योगा दृढ़ देह सिद्धि कुर्वन्ति रूप जन्म जरा विनाशम। तो ये रसायन के कॉन्सेप्ट में ये जो प्रस्थम प्रस्थम पुनर्वर्ष शतम अजरम अमर स्थिति करके जो संहिताओं में जो अस्कृतियां हैं, तो इतना सा मेरा एक निवेदन और है कि हम लोग जब आजकल का पब्लिश जो लिटरेचर पढ़ते हैं तो साहब सुश्रुत ने आसव अस्कृति का आविष्कार किया, चरक में आसव अस्कृति नहीं है, और इसलिए हम उसको, तो जो ऐसी लाइन किताब में लिखता है और सिलेबस की बुक बनती है उसने कभी चरक संहिता नहीं पढ़ी, या उसको रस ग्रंथ के फॉर्मुलेशन मुझे भी याद नहीं होते किंतु उसको भी याद नहीं होते होंगे, तभी उन्होंने ऐसा लिखा। तो सब जो त्रिफला रिष्ट है चरक में पांडु में उसमें पक्व लोह डाला है और वो आसव अस्कृति का उदाहरण है। तो स्पष्टतः कुछ लिखना ग्रंथकार के लिए जरूरी नहीं है, और वो लिखा हुआ लुप्त भी हो सकता है, इसलिए आज हमारे सामने 12,000 श्लोक में से 9,000 श्लोक हैं, और हम उस अंध भक्ति में केवल उसी को रख करके कुछ सोचें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो रस समुच्चय में लिखा हुआ है कामराज या रामराज प्रोक्त सिद्धानाम मुखागत, तो ये एक इविडेंस है, एक सिद्ध लोगों से रस वेद आयुर्वेद के वेद्यों ने, चूंकि अशोक ने जब औजार जब्त कर लिए तो फिर एंटीबायोटिक तरह हमको कुछ चाहिए था, आयुर्वेद चिकित्सा में कुछ कमी आ रही थी, तो सब बिना ऑपरेशन के काम नहीं होगा, और रस औषधियां लेते हैं तो अल्प मात्रा में लेने से भी काम कर रही है, तो इसको एडोप्ट क्यों, तो सबसे पहले उन्होंने रसायन प्रकरण में एडोप्ट किया, और 2 लाइन का एक योग जो उस समय समकालीन सभी ग्रंथों में मिलता भी है और वो प्रसिद्ध हो गया। तो मतलब को रसी भवंती लिखा, मतलब यहाँ पे एसिमिलेबल होगा या ब्लड में चला जाएगा ऐसा नहीं है, रस के बराबर गुण उसमें आ जाएंगे। तो रस महारस उपसर्ग वर्गीकरण है, और निम्न जाति को हम लोग जो उच्च जाति में बनाते हैं, तो जो भी कुछ प्रोसेस किया हुआ उपरस आदि द्रव्य हैं वो सब रस की तुलना में आ जाएंगे, और मृतानि लोहानि ऋषि भवन्ति जो लिखा, तो उससे क्या होगा कि सब उनको लेंगे तो रोग नाशन होगा, और परिशीलन किया तो उपचार होने के बाद में समग्र योग से अगर हम लोग काम में लेंगे पत्यापत्य के साथ में आहार के साथ, तो पुष्यंती धातुन ऐसा करके लिखा है, तो सब धातु पुष्टि होकर के और शरीर जो है दृढ़ देह सिद्धि में होगा। ये क्षेत्रीकरण के बिना रस औषधि या रस चिकित्सा काम नहीं करती, और क्षेत्रीकरण में रस शास्त्रीय पंचकर्म अलग हैं, उसको करने के बाद में भी उन्होंने कहा सब जब निरुजीकरण हो जाए शरीर का, और फिर उसमें संवत्सरम अयनम वा अभ्रक्षत्व प्रधान या ऐसे लक्ष्मीलाल संगाराव आदि योग का प्रयोग करने के बाद फिर रस बीज का शरीर में अर्पण करना, तो पिंडस्थिर होगा, आयुष्य बढ़ेगा, या योग साधना करने करके आप मोक्ष की तरफ जाओगे, केवल रसौषधि का सेवन करने से तो पिंडस्थिर होगा, शरीर स्वस्थ होगा। मानस स्वास्थ्य के लिए आचार रसायन फॉलो करना अपेक्षित है, जहाँ यहाँ गलती होती है, और रस शास्त्र में योग भ्रष्ट की तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि सब आयु किसी की पूरी नहीं हुई, नागार्जुन वगैरह ने भी कुछ काम किया, तो ये जो आप फॉर्मूला आपके सामने है इसमें कहते हैं सब 1,000 वर्ष जिएगा, और 8 औषधियां या 6 औषधियां उन्होंने ली, एक एक पल मात्रा भी दी, एसओपी भी दिया, और कौन सा लेना है ये भी बताया। तो पारस भस्म लेना मजबूरी में, रस सिंदूर या मकरध्वज आज ले रहे हैं हम लोग, किंतु ओरिजिनल जो है उसने ऐसा बनाता था, काम में लेता था, उसने फॉर्मूले का नाम भी नहीं दिया, किंतु जिसने फॉर्मूला कंपाइल किया उसने रसायनों में इस फॉर्मूले का नाम नहीं है, किंतु जब रस कामधेनु में आते हैं तब उसको नवचित्रार्थ गुटी के नाम से कुछ मिलता है, उसको देखेंगे। क्षेत्रीकरण का प्राधान्य बताया है ना, तो सब इसमें भी ध्यान ये रखना है कि सब ऐसा नहीं कि सब हम अंधभक्त हो के औषधि खाते रहे, सब पहला कॉन्सेप्ट है कि सब अजीर्ण नहीं हो, अग्निमान्द्य नहीं हो, उसके लिए कुछ गर्म जल से कुछ औषधियां जो यकृत के लिए या अग्निबल के लिए रक्षा के लिए हैं, कणापथ्या या भृंगामलक निर्यास है ना, इनसे भावित
कांतलो या अभ्रक का सेवन करना, ये सब क्षेत्रीकरण के क्रम में आते हैं। तो ऐसे कई फॉर्मूले रस ग्रंथों में मिलेंगे और जो शोधन पूर्वक इनको काम मिलेगा तो रस वस में लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रस बीज अर्पण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आदमी स्वस्थ रहेगा। और फिर कुछ कॉन्सेप्ट दिया है सब, जहाँ उपरस लिखा है उसका सत्व लेंगे ज्यादा गुणकारी होगा, जैसे अभ्रक है या खरपर है। तो हम लोग आज खरपर सत्व तो ले रहे हैं बसंत मालती वगैरह में, किंतु तो अभ्रक सत्व बस बना के काम लेने में अभी भी हमको तकलीफ होती है, क्योंकि प्रयास साध्य है ना, और गुण तो बढ़ेंगे। इसलिए जो अगर रसशास्त्री है तो इसको इस तरफ जाना चाहिए, और अकेला अभ्रक सत्व के छोड़ के कोई भी दूसरा रसायन तत्व नहीं है, ये कॉन्सेप्ट रसशास्त्रियों का है। और घन हेमादि जीर्ण जो रस है उसका क्षेत्रीकृत शरीर में ही उपयोग होता है। जो जीर्ण जो रस तैयार होगा, रस बीज तैयार होगा, उसके लिए ये स्पष्ट निर्देश है। इसलिए रस बस में बना लेंगे शास्त्रीय क्रम से, और हमने सामान्य आदमी को दिया तो जरूर नुकसान होगा, वहां पे हानिकारी होगा। उसके लिए कुछ नियम है, उनको पहले हमको फॉलो करना पड़ेगा। और अभाव में हम चुप हो जाते हैं और साइंस वाले कहते हैं सब नुकसान कर रहा है, और फिर हम कहते हैं नहीं साहब, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ गलत नहीं हो सकता, शास्त्र में लिखा हम खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है, शिला जतु क्षोद्र विडंग सर्पिर लोहा भया पारद ताप्य पक्ष आपूर्यते दुर्बल देह धातु त्रिपंचरात्रेण यथा शशांक, और इस फॉर्मूले को पाक्षिक रसायन लिख दिया विद्वान वैद्य ने टीका करते समय। तो जब उन्होंने टीका लिखी तो हम पढ़ते हैं, अगर वो टीका नहीं करते, संस्कृत तो हमारा पढ़ने का अभ्यास ही नहीं है, कम से कम MD होने तक, मजबूरी में टीचर बन गए थोड़ा संस्कृत पढ़ेंगे वो एक अलग बात है, तो थोड़ा सा संस्कृत पे महत्व देंगे तो हमको कुछ पता लगेगा। और ये फॉर्मूला जो है इसमें माक्षिकस्य पलंचैव मात्रा भी दी है, 2 लाइन के सूत्र में मात्रा नहीं दे रखी है। वो सूत्र अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, रसार्णव, रस हृदय, रस संहिता सब में आया है ना, और यहाँ पे इन्होंने इसका SOP दिया है और वो मात्रा दे रखी है, प्रयोग काल दे रखा है। शिला जदु पलम पुनः पलम एकम विरंगं च पथ्या चूर्णम पलम तथा एकीकृत्या तत्सर्वम मध्वाद्येन तु पेशे और गुटिका कार्या षष्ट्यधिक शतत्रयम्। तो 360 गोली बनानी, क्योंकि वर्ष उस समय 360 दिन का होता था, और ये सब एक एक पल लेके इन्होंने जितना भी वजन होता है उसकी एक गोली बना दी, और ऐसी गोली रोज लेना है एक। तो जीवित वर्ष सहस्राणि रुद्र तुल्यो महाबलम, तो आप इसको अतिशयोक्ति बोल दें, किंतु वास्तव में हम लोग जब फॉलो नहीं कर पाते कलयुग में रसशास्त्र के जो क्रम है उसको, तो फिर ऐसे ही कहना पड़ेगा इन्होंने विज्ञापन के लिए कुछ लिख दिया ताकि विश्वास हो। ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिक है। और जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि सब व्रतम सूतम व्रतम कांतम ऐसा करके, तो इसको आप देखें, पारद भस्म में लिया है एक पल है ना, और कांत लो एक पल लिया। आज तो स्थिति हमारी ये हो गई कि सब मानक बनाने में हम लोग कांत पाषाण ले रहे हैं मानक के रूप में कांत लोह का, जबकि स्पष्ट शास्त्रों में कांत लोह के लिए पात्र की परीक्षा वगैरह सब दी है। मतलब कांत लोह कांत पाषाण से सत्व पाचन करके जो एलोय हमको मिलेगा वो कांत लोह होगा, और उसकी भस्म बनाना है। और आज हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और शास्त्र में रिजल्ट हमको शास्त्र में लिखा है वो चाहिए, तो थोड़ा सा हम शास्त्र का कॉन्सेप्ट भी हमारा अपना डेवलप कर लें। तो रसकामधेनु में इस फॉर्मुलेशन को नवचित्रार्थ गुटी लिखा है, तो रसकामधेनु में 2 लाइन का वो पारदा वाला श्लोक भी है, शिलाजतु आदि योग का, शिलाजतु क्षोद्र विडंग सर्पि इत्यादि, और वहां पे ये भी कंपाइल किया हुआ है। तो संग्रह ग्रंथों में संग्रहकार जो भी कुछ होता है सामने लिख देता है, उसका अपना उद्देश्य होता है। तो ये जितने भी मध्यकाल के ग्रंथ हैं, इवन चक्रदत्त भी संग्रह ग्रंथ हैं, इस तरह से अष्टांग संग्रह तो स्पष्ट ही कह रहा है संग्रह ग्रंथ है। तो इसलिए वृहत्त्रयी लघुत्रयी में हमारे सामने जो कुछ है वो एक तरह से प्रतिसंस्कारित और परिपूरित है। मूल आयुर्वेद का स्वरूप या मूल रसशास्त्र का स्वरूप तो उपलब्ध नहीं है, ग्रंथाकारों में कहीं लुप्त हुआ है, या जो है शोध कार्य का अलग विषय है। ये क्षेत्रीकरण रस जो फॉर्मूला नवचित्रार्थ गुटी है उसमें जो चीज है वही इस फॉर्मुलेशन में है, किंतु यहाँ पे अष्टमांश स्वर्ण षोडशांश स्वर्ण है, इसलिए इसकी मात्रा भी डबल है, प्रयोग काल भी डबल है। तो ये फॉर्मुलेशन के प्रोसेस से हम ये बात समझ सकते हैं कि अल्पमात्रोपयोगित्वात् जो कुछ हम बना करके आज काम में ले रहे हैं उसके लिए हम मतलब जोर से बोल देते हैं वो एक अलग बात है, किंतु वो तो थेरापेटिक डोज पूरी देनी पड़ेगी आपको, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएंगे। किंतु वास्तव में अल्प मात्रा में देना है, और तिल से ताड़ का वेद करना है या राई से पहाड़ का, ये जो लोकोक्तियां हैं
वो ऐसे ही नहीं बनी, किंतु इसके लिए जो इंगित किया उससे हम दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमको जीवन में 2-3 सालों में 5 सालों में वो काम होता नहीं। और उन्होंने लिखा, यथाशात जाणना गवि तथाशात गुण दो रस, उससे हट जाते हैं। तो जो फॉर्मूला है शिला जंतु क्षुद्र विडंग सर्प इत्यादि, उसमें जो चीज है वही चीज यहाँ भी है, किंतु यहाँ क्लियर लिखा है, जैसा पहले कहा हुआ जो पातित सूत है, स्वेदित है, मुखीकृत है, मतलब संस्कार किया हुआ है, उसमें षोडशांश स्वर्ण धारण करना है, मतलब और सद्गुण बलि धारण करना है। तो ये मकर ध्वज बनाने के कॉन्सेप्ट में आपको इशारा कर रहे हैं, किंतु पहले ग्रास प्रमाण से करना पड़ेगा, अभ्रसत्व का भी ग्रास देना है, और उसके बाद में ये प्रक्रिया करनी है। और हम इसको रिसर्च के नाम से, सामने 2 लाइन है उसका रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। और ऐसा करके इन्होंने ये प्रोसेस किया, और इसमें कहा था कृष्ण धतूर के स्वर से या आकुपर्णी स्वर से नष्ट पिष्ट करना है और धातु पिष्टि बनानी है, उसके बाद में त्रिफला के रस की भावना देनी है कृष्ण सु, और उसके बाद में विंशतिश्च दिनानि 20 दिन तक कल्क को सोमांध यंत्र में रख करके पकाना है, अध ऊर्ध्वम बलिम दद्यात् रसेंद्राय, ये जो SOP इन्होंने दिया सूत भस्म बनाने का, और एवं भस्मीकृता सूतात् ग्राह्यम पल चतुष्टयम्। यहाँ पे मात्रा देखिए, वहां पलम पलम था, यहाँ 4 पल किया है, ठीक है ना। और ताप्यम लोहम विडंगन च शिला जतु हरितकी सर्वम सूत समम ग्राह्यम, तो सारे 4-4 पल लिए हैं, तो इसका मतलब ये 2 साल के लिए है और 4 पल है, इसका मतलब इन्होंने मात्रा भी डबल कर दी, कि वहां पे उन्होंने जो मात्रा लिखी थी उससे इस योग में मात्रा ज्यादा हो गया। आज हम रिसर्च करते हैं, और फिर हमने 90 डेज कर लिया, थेरापेटिक डोज की टॉक्सिटी देख ली, 10 टाइम्स देख ली, उसके बाद में आपने फेटल डोज के लिए स्टडी कर लिया, किंतु यहाँ जो लिखा है वो तो हमने किया ही नहीं, देखा ही नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं, सिलेबस में नहीं है। तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग विचार करें, और इस प्रोसेस को करते हुए जो बनेगा वो मधुग्रह से लेना है, और भक्षेत प्रातरुत्थाय बल्यम रस्यम अतन्दित शुक्रवृद्धिकरम पुष्टिवर्धनम वह्निदीपनम, ये गुणगान जो लिख दिया, तो राजयक्ष्मा विनाशनम प्रमेहम पांडुरोगंच कामलांच हलिमकम, ये सब निरुजीकरण के लिए आपको ये प्रयोग इन्होंने बताया क्षतिकरण के साथ में। तो क्षतिकरण में पंचकम करने के बाद में शरीर को पहले पारद सहन करने के लिए तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए पारद भस्म के साथ योग बना के पहले ये देना है। तो सतताभ्यास योगेन जीवेद आचंद्र तारकम, अभ्यास सतत करना है, और इसके लिए जो रस सेवन का जो अनुपालना है पथ्य परे आचार रसायन, उसको हमको काम में लेना पड़ेगा। केवल ऐसा नहीं कि सब अंग्रेजी गोली लेते हैं, ऐसे घटक लो पानी पी लो और काम हो जाएगा, आचार रसायन को फॉलो करना पड़ेगा और आस्तिक होना पड़ेगा। तो क्षेत्रीकरण नामायम रस परम सुंदर, तो सब इसके साथ में प्राय गोदुग्ध आहार लिखा है, ज्यादा पकवान वगैरह या उस तरह से नहीं लेना, और मुद्गम मांस रसन तो पथ्या पथ्य इन्होंने साथ दिया है ना, तांबूल सेवन को बताया है, और कुछ पथ्य फल आदि बताए हैं, इक्षु सरस वगैरह, और ये इसका सूत्र रूप में ग्रंथ में मिलता है। आप पहले जो 2 आपके सामने रखे हैं ऐसे फॉर्मूले से इसको तुलना कर लो, और यहाँ जो 53 रात्रें लिखा था ये आयुर्वेद वालों ने आयुर्वेद के सिद्धांत से लिखा, और यहाँ पे पाक्षिक रसायन नहीं है, आयुर्वेद में रस से शुक्र बनने में 21 दिन लगते हैं, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा 15 दिन में परिपूर्ण होता है, किंतु मानव शरीर में परिपूर्ण धातु होने के लिए मिनिमम 21 दिन तक इस औषधि को देना है, ये आयुर्वेद सम्मत है। किंतु रस शास्त्र में दीर्घ जीवन के लिए कुछ लेना है तो उसके लिए हमको पूरी प्रक्रिया से बना के काम में लेना पड़ेगा, पूरा डिटेल में SOP है, और शोध का क्षेत्र आपके लिए खुला है। अब यही फॉर्मूला 6 औषधियों का, 7 औषधियों का, 8 औषधियों का, एक कहीं त्रिकुट है, कहीं पे पिपली है, ऐसा करके कुछ, कहीं शुंठी है, ऐसा कुछ बदला होगा, और 18 नाम से ये फॉर्मूला जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा, और हम इसको क्रॉस चेक करें और उसके बाद देखें तो ये स्थिति बनेगी। तो नवचित्रार्थ गुटी या भस्मथूत योग है, उसका वजन टोटल 384 ग्राम होता है, इसको साल भर में 360 गोली बना के कंज्यूम करना है, और इसमें धातु जो है वो पर डे 400 मिलीग्राम जा रहा है और साल भर तक जाएगा। धातु में भस्मसूत है, कांत है और माक्षिक है, बाकी तो काष्ठौषधि और आज्य मधु है ना, जांतव द्रव्य भी है। तो इस तरह से ये जो योग है इसको हम विचारें कि क्या हम आयुर्वेद में शोध कार्य के नाम पे इन जो शास्त्रीय क्रम है इनको पहचान के फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं, या 2 लाइन का श्लोक पढ़ के रिसर्च कर रहे हैं।
तो देखिए कि सब ये योग पारद युक्त है, कहीं पारद रहित बताया, कहीं उभयविध योग बताया, शास्त्र में विहित है, और कहीं शिलाजत्वादि योग लिखा, कहीं शिलाजत्वादि लोह लिखा। अष्टांग संग्रह उत्तर 49 में, अष्टांग हृदय उत्तर 39 161 में, ये रेफरेंस है। और फिर यहाँ पे शिलाजतु शुद्ध सहद विडंग गोघृत लोह भस्म हरड़। तो ये सेलेक्टिवनेस है कि सामान्य अर्थ में तो लोह भस्म बोलेंगे, लोह शब्द है 2 लाइन के श्लोक में, किंतु जब उसको शास्त्र में देखेंगे तो वहां कांत लोह भस्म लिखी है ना। और आज बाजार में तो कांत लोह भस्म मिलती नहीं, आपको खुद बनाना पड़ेगा। एनीवे मानक भी उसका अभी तक तय होना है। तो सारी स्थितियां कुछ इस तरह की है। और इसमें शिलाजत्वादि योग, शिलाजत्वादि लोह के नाम से ये 2 औषधियां नहीं है, तो लोह हो गया, और इसमें सभी है, तो इसको शिलाजत्वादि योग बोल दिया, या पारदादि योग, या कुछ भी नाम देंगे आप इसको। और उसके बाद में ये जो स्थिति है, तो सब लोहामृत के नाम से भी ये फॉर्मूला आता है। तो सब इन ग्रंथों में 3 नाम से फॉर्मूला आ रहा है। और फिर टीकाकार अपनी बुद्धि से युक्ति जो है ना, काले संसार युक्ति भी से संश्लेष विश्लेष करना है। इसलिए व्याधि निवारण के लिए तो लोह भस्म चलेगा, ऐसा करके। तो इस तरीके से मधु से कोई लोग मधुयष्टि का सत्व या चूर्ण लेते हैं, शहद नहीं लेके, और विडंग अवया के स्थान पे कहीं व्योष है और कहीं अवया के स्थान पे अभ्रक है। तो सब न सूते न विना लोहम न रसम चाभ्रकम विना के कॉन्सेप्ट में, जिस ऑथर को वो कॉन्सेप्ट याद था उसने ये रिकमेंड कर दिया। तो इस तरह से कहीं लोह से कांत लोह भस्म लेते हैं, और कहीं लोह भस्म से तो सब सर्व चूर्ण सम लोह कल्प बनाएंगे, तो काष्ठोजी चूर्ण के बराबर लोह होगा, और सर्व चूर्ण सम मिलित इति, तो दूसरे कहते हैं सब लोह मटेरियल है ना, सभी चूर्ण के बराबर मिलित लेना। तो ये जो एक एक भाग वाली बात है, इसमें भी आपके सामने विकल्प आपको शास्त्रों में मिलेंगे। अवया के साथ में कहीं विभितक है, और कहीं हरित की त्वक लिखा है, दालचीनी लिया है। तो हरित की त्वक से हरित की दल या वक्कल लेने की बजाय टीकाकार ने अपनी बुद्धि लगा के दालचीनी भी डाल दी। तो सब लोह के शास्त्र में जो बनता है, तो रंध अवायस लोह बनेगा, तो वहां पे तीजात उसमें है, तो तिकटु त्रिफला एला भी जाति फल लवंग, ऐसा करके फॉर्मूला है। तो ये योग निर्माण में हम स्वतंत्र हैं, और हमारे उद्देश्य से हम करते हैं, तो सत्व भस्म श्रेष्ठ है। अभ्रक ताप्य का इसका जो हम लोग भस्म लेते हैं, उसके बजाय इनके सत्व भस्म लेंगे, तो रसास के सिद्धांतों के आधार पर और भी गुणकारी होगा। तो विद्वान विचारक ने तो अपने विचार दिए, किंतु हम लोग कितना उसको समझ पाते हैं, फॉलो कर पाते हैं, वो एक अलग बात है। तो रसकामधेनु में क्षेत्रीकरण के लिए तीसरे पाद में 9वें चैप्टर में 107 श्लोक है, 127वें श्लोक है, और 128 श्लोक में, ऐसे करके 3 जगह ये फॉर्मुलेशन आते हैं रसकामधेनु में, एक ही ग्रंथ में, संकलन ग्रंथ में। और कहीं सूत है, अवया अक्ष है, हरित की त्वक शिलाजीत नहीं है, और कहीं सूत है, सूत है, सूत नहीं व्योष है, विडंग हरड़ के स्थान पे राजयक्ष्मा में दिया है। तो इसका नाम उन्होंने शिलाजत्वाद्य लोह लिखा है, लोहामृतम लिखा है, शिलाजत्वादि लिखा है, कहीं गोलक रस लिखा है, ऐसा करके यही 6-8 द्रव्यों से बनने वाले योग हैं, वो रसहृदय तंत्र में, रसार्णव में, रसकामधेनु में। तो इसमें रसहृदय तंत्र सबसे पहले रसार्णव, और उसके बाद में रसकामधेनु संकलन ग्रंथ है। तो रसार्णव में इस योग का नाम नहीं दिया, दोनों योगों का, 2 लाइन वाले सूत्र का भी और इसका भी, और टीका जो कंपाइल करने वाले थे उन्होंने नामकरण भी किया। तो रसकामधेनु में आपको नवचित्रार्थकुटी मिलेगा। योग रत्नाकर में शिलाजत्वादि योग, शिलाजतु योग क्रमांक 3, और शिलाजतु योग क्रमांक करके ये 3 फॉर्मूले आते हैं, पांडु में, राजयक्ष्मा में। और इस तरह से शास्त्रकारों ने संग्रह किया, और रोगाधिकार अलग अलग रखे एकाध द्रव्य बदल के। तो ये संश्लेष और विश्लेष का उदाहरण है। और युक्ति से आप अल्पश्यापी महार्थत्वम प्रभुतस्य अल्पकर्मताम, वो कॉन्सेप्ट में इसको विचार सकते हैं। और इसके आधार पर ये योग सूत्र इतने नामों से जो आया, वो इतने रोगाधिकार में आया, रसायन में, क्षेत्रीकरण में, राजयक्ष्मा में, कार्श्य चिकित्सा में, वृश्य में, वाजीकरण में, सन्निपात में, पांडु में, और लोहकल्प में। और उसके बाद में प्रयोग काल के बारे में अलग अलग शास्त्र में पाक्षिक रसायन लिख दिया, तो वास्तव में तो 21 दिन वाला ठीक है, या मांडलिक रसायन हम कह देंगे, कम से कम 48 दिन दे सप्त सप्तक, तो वसु सागर सम्मितो करके मंडल है। बाकी रसशास्त्र में ऋत्विक, आयनिक, सांवत्सरिक, क्षेत्रीकरण, वृश्य, तो क्षेत्रीकरण रस 2 साल तक देना है ना, या जो आपका ये है इसकी 360 गोली बना के साल भर देना है। तो संवत्सरम आयनम वा करके जो निरुजीकरण के बाद में शरीर को एकदम स्वस्थ बनाए, और पारद भक्षण योग्य हो, रस बीज अर्पण क्षम हो शरीर, उसके लिए ये सब इशारा इन लोगों ने किया है।
और ये सब के साथ में आचार रसायन और आस्तिकता और भारतीय जो आपका मनोभाव है उसको रखना पड़ेगा। शरीर बल बढ़े और मानसिक रूप से हम आतंकित करने लग जाए तो ज्ञानाय दानाय रक्षणाय की बजाय विवादाय मदाय ऐसा हो जाएगा, तो ये शक्ति कोई काम नहीं आएगी। और इसका उपयोग जो है जितने भी पहले फॉर्मूले हैं प्राय इन रोगों में रिकमेंड किया है। तो इवन ऊर्ध्व चतुर्गत विकार भी दिया है, मस्तिष्क विकार भी दिया है, अर्बुद है, शूल है, इवन नेत्र रोग में कांच है, पटल है, इनमें भी काम करता है। तो इस तरह से इन्होंने सभी व्याधियों में इन 8 औषधियों को प्रोसेस करके बनाएंगे तो काम करेगा। किंतु जैसा बनाया और जो रिजल्ट मिला वैसे लिख के उन्होंने 18 नाम से फॉर्मुलेशन आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिख दिए। हम उसको तुलना करें, सूत्र रूप में जाएंगे तो 2 लाइन का सूत्र है और उसी को आयुर्वेद ने रसास को समादृत करते समय रसायन में समादृत किया, क्योंकि वो लोक व्यवहार में प्रसिद्ध था, व्रज संहिता में भी आया। तो पथ्यापत्य निष्परिहार है, मात्रा इसकी मिनिमम मात्रा आधा रत्ती से लेकर के हम 1 ग्राम तक दे सकते हैं। मास प्रमाण के दोनों अर्थ करिए आप, मास मतलब उड़द और निष्क मतलब 3 ग्राम और गुंजा त्रयम 375 मिलीग्राम। तो अलग अलग ग्रंथों में इन औषधियों की मात्रा अलग अलग लिखी है, किंतु जहाँ शास्त्रीय क्रम से बना हुआ औषध है वो 2 साल तक देना है और वो 3 ग्राम पर डे देना है। और जबकि पहले नवचित्रा गुटी है वो 1 ग्राम समथिंग पर डे आएगा, उसमें 400 mg मेटल होगा, तो मेटल भी ज्यादा होगा और प्रयोग काल भी ज्यादा है, किंतु वहां स्वर्ण का जारण कम हुआ है इसलिए मात्रा कम है, मात्रा ज्यादा है। और जहाँ स्वर्ण का जारण ज्यादा हुआ तो यथास्यात जारणा भवी तथास्यात गुणदो रस, तब मात्रा कम होगी। तो जो अल्प मात्रा उपयोगित्वात वाली बात है उसको इस तरीके से आप देखें। शास्त्र में सिंपल सा हिंगवष्ट चूर्ण है और हम लोग इतिहास के आधार पे इसमें AFI में यवानी के स्थान पे अजमोदा रिकमेंड किया है, क्योंकि अजमोदा शब्द पाठ में है और फिर हम लोग अजमोदा लिखा है इसलिए हमको अजमोदा ही लेना है। और परिभाषा 12वीं सदी में बाद में बनी, अष्टांग हृदय या अष्टांग के भागवत के काल में परिभाषा नहीं बनी थी इसलिए हमको अजमोदा ही लेना। तो भाई आज किचन में हम लोग यवानी काम में लेते हैं छोंक लगाने में और उसके गुण हैं, तो फिर यहाँ पे हम क्यों अजमोदा को इतिहास के आधार पे माने, कंपेरेटिव स्टडी होकर के उसको लें तब तो ठीक है। तो मेरा सबमिशन इसमें ये है कि सब जिसको ये बायसनेस होगी, सब जहाँ यवानी लिखा होगा वहाँ यवानी लेंगे, जहाँ अजमोदा लिखा है अजमोदा लेंगे। तो वंशेन संहिता में दोनों फॉर्मूले हैं हिंगवष्ट चूर्ण के, एक गृहिणी चिकित्सा में उसमें उन्होंने यवानी शब्द स्पष्ट लिखा है श्लोक में ही। तो सब कुछ भी असंभव नहीं है, शास्त्र में आपको सब मिलेगा, आपको केवल कुछ योग बेसिक याद हो और उसके बाद में कोई भी फॉर्मूला रटने की अपेक्षा नहीं है। जैसे लहसुनाष्टक चूर्णम इदम सपदि नींबू रसेन भक्षितम, ऐसा करेंगे तो हिंगवष्टक चूर्ण के लहसुनाष्टक चूर्ण की मात्रा हम 3 से 6 ग्राम लेंगे और विसूची का निवारण के लिए नींबू सोरस देंगे तो कम से कम 12 ml 20 ml के करीब लेंगे और बार बार देंगे तब विसूची का ठीक होगी। किंतु हमने आपको रेडी टू यूज के लिए भावना देकर के लहसुन आदि वटी बना दी, तो मार्केट में क्या प्रैक्टिस हो गई साहब, एक भावना भी ढंग से नहीं देते हैं और चूंकि नमक वगैरह है इसलिए जल्दी गीला हो जाता है और गीला ही रहता है, सूखता ही नहीं है। तो थोड़ा सा है, इसमें देखें हिंगवाष्टक चूर्ण के अलावा चित्रका दीवटी वाला कॉन्सेप्ट है या लहसुनाष्टक चूर्ण का लहसुना दीवटी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे वटी बनाने पे हम 2 गोली 4 गोली लिखते हैं और लहसुनाष्टक चूर्ण देते हैं 3 ग्राम देंगे और 10-20 ml नींबू सोरस देंगे तब विसूची का ठीक होगी। तो सब प्रॉपर मात्रा में गंधक तो चला जाए ये भी हम विचार नहीं करते। तो ये संश्लेष और विश्लेष से अल्पकर्मता या प्रभूत कर्मता जो हम चाहते हैं वैसा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम लकीर के फकीर हैं, वास्तव में जो दिशा निर्देश हैं गाइडलाइंस वो किसी एक जगह लिखी हुई है। तो सब भावना कम से कम 3 या 7 देना, तो AFI में भी कहीं क्लियर नहीं लिखा, किंतु जहाँ पे आदित्य पाक गोकुल लिखा वहाँ क्लियर लिखा उन्होंने, जहाँ भी योग निर्माण में भावना लिखा है संख्या नहीं लिखी है, हमको परिभाषा लागू करके इतनी भावना देना है। तो ये नुकसान नहीं होना है, उसमें गुण बनेगा फायदा होगा, किंतु हम लोग क्या करते हैं सब बाजार में डिमांड है सब ले फटाफट भेजो, तो सब ये फॉलो नहीं हो रहा है। और जब किसी को कहते हैं तो कहते हैं सब AFI ने नहीं लिखा तो हम क्यों करें, हमको मानक वही बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसको विचार है। और ऐसे ही सटपल ग्रिथ है कि सब पंचकोल और साथ में लवण सब एक एक पल लेंगे और 1 प्रस्थ घी बनाएंगे और द्रव बदलेंगे और कुछ रोगाधिकार बदल जाएगा। इसका मतलब पंचकोल या सटपल ग्रिथ बना के उदक सटपल ही हो, उसमें हमने दूध भी नहीं डाला, और उसको जहां भी विभिन्न द्रवों के अनुपान से देंगे
तो विभिन्न रोगाधिकार में जो फलश्रुति लिखी है उसमें काम करेगा। तो उसके अनुरूप योगोक्त द्रव हमको लेना है। तो साहब जैसे लसुनाष्टक चूर्ण में हम बच्चे हैं कि साहब भावना दे दो गोली बना लो, ऐसे ही यहाँ पे भी सटफल घृत में आपको कई फॉर्मूले चक्रदत्त में एक साथ मिल जाएंगे। चरक सुश्रुत में भी कुछ फॉर्मूले हैं सटफल घृत के नाम से, या माँ सटफल घृत है, दशमुख सटफल घृत है, मस्तु सटफल घृत है, तक्र सटफल है, गोमूत्र सटफल है। जो द्रव डालोगे उसका सटफल बन जाएगा, वो दीपन पाचन और विभिन्न व्याधियों में काम आने वाला है। इसको सर्वे करेंगे तो आप एक अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा संश्लेष और विश्लेष का। तो संश्लेष ही संश्लेष है, और कारण क्या है कि सब समय पे काम आ जाए और वहां पे हमको इधर उधर तलाशना नहीं पड़े। तो किसी ऋतु में गोमूत्र मिला नहीं मिला, या कहीं मस्तु मिला नहीं मिला, कहीं तक्र मिला नहीं मिला पीने के लिए, तो सब सिद्ध घी है सीधा ले लेना, गर्म पानी ऊपर से साथ में ले लेना थोड़ा नमक डाल के। तो क्षारसाध्य या जहाँ नमक वर्जित है उसमें गुलमादि में गृहिणी में उन्होंने यवक क्षार लिया है, या व्रत सत्पल मत सत्पल कृत बनाने में उन्होंने दो तीन तरह के नमक भी लिए क्षार भी लिया। तो ये संश्लेष और विश्लेष जो किया और उसके कारण से रिजल्ट परिणाम में अंतर आ रहे हैं, और इसको सर्वे करें तो एक आदर्श उदाहरण सटफल घृत का देखें, और कुछ अपवाद भी मिलेंगे। तो सटफल घृत कुष्ठ में ऐसा भी है जिसमें 6 फल ही घी बनाना है, प्रश्न नहीं, और वो भी अपवाद है। और उसको बनाने के बाद में सटफल ही मात्रा है प्रबल मात्रा स्नेह की, इसलिए कुष्ठ रोगी को प्रतिदिन उतना 6 फल वो तिक्त सटफल घृत पीने को देना है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो सटफल घृतम से जो मैं बोल रहा हूँ उसी को पक्का नहीं मानिए, शास्त्र में इसको क्रॉस चेक करिए तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हृदरोग, गुल्म, कास, श्वास, हिक्का सभी में काम आता है। फलश्रुति में ज्वर से लेकर के विषम ज्वर से लेकर सब में लिखा हुआ है। तो सब आज हम लोग कितना प्रयोग करते हैं तो सब कॉन्सेप्ट ही हमारा डेवलप नहीं है, और हम एकाध रोगाधिकार का कोई फॉर्मूला बना के डाटा तैयार करके दें तो उसको समेकित करने वाला कोई आर्टिकल मुझे देखने को नहीं मिला। एक हड़ताल भस्म है सिद्ध हड़ताल, इसमें जो संश्लेष और विश्लेष का एक तरीका है कि जब हड़ताल का मेल्टिंग पॉइंट हमको पता नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ भी नहीं सोचना है, किंतु फिर भी हमने क्या किया कि डायरेक्ट हीट पे हड़ताल को पिघलाया नहीं, जैसे लोह पात्र में या अभ्र पात्र में रखे थे जहाँ देखे पिघला देते, किंतु शुद्ध ताल को या ताल के टिकिया को पिघले हुए नाग के ऊपर रख के प्रतप्त करना है, तो नाग का जो द्रवणांक है या क्वथनांक है उसके बीच का तापक्रम वहां रहेगा, और उसमें प्रतप्त करके और ज्योतिषमती तेल में उसको ढालन मतलब निर्वापित करना है। और ऐसा करते करते ज्योतिषमती तेल का जारण हो जाए, क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, उतने तक उसमें बार बार करना है। उसके बाद जो ताल बनेगी तो देखिए यहाँ पे डिवाइस जो बनाई वो वास्तव में आश्चर्यजनक है, हम तो समझ या कल्पना ही नहीं कर सकते, और सिलेबस की तो बात ही नहीं है। तो थोड़ा सा इसको देखें, ये सिद्ध भैषज मणिमाला का है हड़ताल भस्म के नाम से, और आगे इन्होंने जो दिया है वो विशाला फल जो है ना इंद्रायण का फल, इसके गर्भ में रख के 3 कंडे का पोट देना है, सुखाना उखाना नहीं है, फल गर्भ में टिकिया रखो और 3 कंडे जला दो, फल सूख जाएगा, जल जाएगा, कोयला बन जाएगा, अंदर वाली टिकिया पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, अग्नि को कंट्रोल करना है, ऐसे 100 बार करना है। तो जो सिद्ध ताल बनेगी वो उसके लिए ये मात्रा दी है, तेल कितना लेना, नाग कितना लेना, ताल कितना लेना। तो तालम त्विहाम रकम मतलब हड़ताल तो 1 पल लेना है, और उसके बाद में नाग लेना है 1.5 प्रस्थ, और उतना ही ज्योतिषमती तेल लेना है, उसके बाद में ये प्रोसेस करना है। तो जो संस्कृत नहीं पढ़ सके वो इसको हिंदी को पढ़ लो, टीका में कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो सब ये टिपिकल एक मेथड दिया है सिद्ध भैषज मणिमाला में, और हम सुनते हैं या कहीं दूसरी जगह लिखा हुआ है कि सब ये इंद्रायण के बजाय किसी ने बैंगन में हिंगुल को सिद्ध किया, तो ऐसे एक तरीका है ये, और इस तरह से जो प्रोसेस होगा सिद्ध होगा वो भस्म के अपने गुण होंगे, और उसको काम में लेना है। जहाँ हड़ताल लिखा है हम मजबूरी में AFI में फुटनोट के आधार पर रस माणिक्य को सीधा काम में ले रहे हैं, और हड़ताल शोधन भी नहीं करते। लोहाष्टक है सर, लोह मारण का सामान्य कॉन्सेप्ट है, प्राय सभी ग्रंथों में मिलेगा, और ये द्रव्य है इनके लिए, ये मारक द्रव्य संयोग है और स्वरस योग है। अब एक ग्रंथ पारसकल्प है उसमें द्रव अलग अलग लिखे हैं, बाकी वही कॉन्सेप्ट है। तो जहां भी है ये निरुक्त मारण के लिए लिखा हुआ है, और मैंने जो रेफरेंस दिया है आपको पारसकल्प का दिया है, और रसार्ण और रसरत्नाकर
आनंद कंद रसेंद्र मंगल, इनमें आपको एक श्लोक मिलेगा जो सिद्धिनंदन जी मिश्र की किताब में एक ही पेज पे सारा संकलित है, उसको पढ़िए समझिए। और वो अरिलोह नहीं है, उनसे बनाया हुआ निरुक्त भस्म हम रसायन योग में काम में ले सकते हैं। सर्वधातु का सामान्य मारण में एक कॉन्सेप्ट है अहिष्कृति की तरह, तो इसको देखें। नटसेल में देखिए, मकर ध्वज भी हम लोग शास्त्र क्रम से नहीं बना रहे, भीड़ का प्रयोग नहीं कर रहे, और रिसर्च भी हो रही है, रिजल्ट भी आ रहे हैं, सब पॉजिटिव है, बायसनेस कहीं है नहीं, है ना। किंतु ये लिखा है सिद्ध लक्ष्मीश्वर प्रोक्त क्रिया कुशलो भिषक लोहानम सरसम भस्म, तो लोहानम मारणम श्रेष्ठम सर्वेशम रस भस्म ना, जो लिखा ना उस लाइन में इन्होंने इशारा किया है कि इस तरह से सर्वोत्कृष्ट लोह भस्म बनाना। और सिद्ध लक्ष्मीश्वरेण प्रोक्ता या क्रिया, सिद्ध लक्ष्मीश्वर इति तंत्र संज्ञा, तो ये प्रकाशित ग्रंथों में थोड़ा सा इस तरह का मिलता है, और वास्तव में नित्य पठन मुक्तिदायक है। और लक्ष्मीश्वर रस इसी बुक में आगे चैप्टर में है, तो छठे चैप्टर में कुछ उन्होंने लोह मारण के क्रम में लिखा, इसी को रसेन चिंतामणि को आयुर्वेद प्रकाश ने कॉपी किया, तो वहां भी ये श्लोक यहाँ पे मिलेगा, और वहां भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसको सही कर लें, और मेरी समझ ऐसी है कि लक्ष्मीश्वर तंत्रोक्त वेड़ भी है, और उसकी परिभाषा ये है, और ये हेम जारण के लिए वेड़ है, और इसको मकर ध्वज बनाते समय हमने कभी काम में नहीं लिया, या ऊपर भी जो आपने एसओपी देखा उसमें वेड़ की बात नहीं कर रहे हो। तो वास्तव में जाड़ना और मूछना में अंतर है, और जाड़ना करनी है तो हमको ये सब प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और अभी कोई जितना भी शिक्षण संस्थाओं में हो रहा है, वहां तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया कि किसी ने वेड़ लगाने के बाद में कुछ काम किया हो। तो सिद्ध लक्ष्मीश्वरो रस करके ये रसेन चिंतामणि में 8वें चैप्टर में है, और आयुर्वेद प्रकाश में पहले चैप्टर में ये श्लोक नंबर है, और उसमें ये इन्होंने दिया है कि अश्वांश स्वर्ण जारण के लिए लोह सार की मूसा, सिकी मूसी का मतलब लोह सार की मूसा में, उसमें सगुण बलि जारण करना है क्रमशो अधिकंच या ज्यादा भी, तो ऊर्ध्वम पयो अग्निमदरे विनिधाय धीरा सिद्धि समग्र मतुलाम सो करे कुरुध्वम। ये कॉन्सेप्ट में गुरु शिष्य परंपरा में इन्होंने इस बात का महत्व दिया कि सांभवी महामुद्रा, और ये अष्टवांश इति उपलक्षणम और अधिकम इति सतगुण पर्यंतम, तो गंधक जारण जो है ना क्रमशो अधिकंच, तो साहब ये क्रमशो अधिकंच उसके लिए लिखा है साहब, 100 गुना गंधक जारण इस प्रोसेस से करिए, जितना अधिक जारण करेंगे हेम आदि का अजीर्ण मिटेगा, और ये जारणा होगी अश्वान स्वर्ण जारण किया आपने तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी इफिकेसी अलग आएगी। आज भी जो कुछ कार्य हो रहा है उसमें धीरे धीरे ये तो समझ में आ रहा है सब, मकर ध्वज बनाते हैं तो कलश पार्ट में भी स्वर्ण पीपीएम में मिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, किंतु मकर ध्वज के जो लक्षण लिखे हैं उसमें तो स्पष्ट लिखा है, पहली शर्त है मकर ध्वज तलस्त हो, ये इसमें स्वर्ण सिंदूर ऊपर बनाना, नीचे भस्म बना के रखना और उसको किसी दूसरी जी के काम में लेना, ये शास्त्रीय क्रम नहीं है, ये केवल प्रोफेशनल शिप के लिए पैसा कमाने का साधन है। और ये जो ऊपर आपने श्लोक देखा उसमें जो प्रक्रिया है उसको सांभवी महामुद्रा समझाया इन्होंने, और उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया कि इसमें अगर मुद्रा सीलिंग आपने ढंग से किया, लीकेज सीपेज नहीं हुआ तो सिद्धि होगी, और यदि कार्यम अयो निरंतरम तदा तत्सारम इच्छते, सिकी मूसी का या मतलब तीक्ष्ण लोहों का सार लोहों का आपको लोह का यंत्र बनाना है, फेजदार चूड़ी लगा के ऐसा यंत्र बनाओ ताकि वहां से लीकेज सीपेज नहीं हो, और जो मृत्सनाओं का प्रयोग है वो यहाँ पे करना है। किंतु ये मैंने कभी संस्थाओं में तो इस तरह का दवा बनते हुए नहीं देखा, शास्त्र क्रम में उन लोगों ने तो गुरु के सामने चेला बनाता है और इस तरह का लिखा है, किंतु आज आपकी और हमारी सरकारी तंत्र में तो मजबूरी है, साधु महात्मा लोग कर लेते हैं स्वांत सुखाय है। किंतु सिलेबस पूरा करना और फिर शास्त्रीय क्रम में आर्थिक जो स्थितियां है ना वो तो काफी कुछ आप समझते हैं उस बात को, ये वाड़व रस या रस कर्पूर है। तो देखिए फॉर्मुलेशन बनाया है इन्होंने, और यहाँ पे नमक लिया है, पारद लिया है, और विष लिया है ना, और इसकी मात्रा दी है तद्भस्म तिल मात्रंतु। तो देखिए रस कर्पूर और रस पुष्प में अंतर है, और जो रस कर्पूर की मात्रा है वो कम है, दाहक विष है, तो उसकी मात्रा इन्होंने वहां धैर्यति प्रमाण में दिया है, विरेचक बताया रस कर्पूर पुष्प को, और ये समझ उन लोगों को थी और इन्होंने ये प्रक्रिया दी है ना। और अगर आपको सूतांश नहीं मिले तो पानी में घोल करके और जो स्थिति है उसको इकट्ठा करें, तिवि संगुणिते मुदितांच घोर धरे चने, तो ये इस प्रक्रिया से जो रस कर्पूर के शोध कार्य करते हैं वो भी इस मेथड को
कंपाइल नहीं करते हैं क्योंकि टाइटल नहीं है इसमें, किंतु ये नीचे जो लिख रहे हैं ना, विषम विना अयम रस कर्पूरो सर्व रोगापहारकम, तो रस कर्पूर पे जो कंपाइल करेगा वो इसको शास्त्र को अंदर से नहीं पढ़ेगा, कैटलॉग में से विषय अनुक्रमणिका देख करके अपना शोध कार्य करते हैं तो ये छूट जाते हैं। इसलिए आपके सामने ये प्रस्तुत है कि साहब ये विष में रस कर्पूर बनाएंगे अगर विष नहीं डालेंगे तो, और विष डालेंगे तो फिर उसका जो प्रयोग है उसकी मात्रा जो है वो तिल प्रमाण में होगी, तिलम दद्यात विशेषचा करके। तो अब तिल प्रमाण में कितना मिलीग्राम होगा ये वापिस आपको मानक बनाना पड़ेगा, अभी तक नहीं है। यव के लिए कुछ चल रहा है किंतु वो जब कालिंग और मागधमान की तुलना करते हैं, समन्वयात्मक बना रहे हैं, तो उसमें यव के लिए अलग से समन्वय स्थिति नहीं आएगी, कहीं 4 यव का, कहीं 6 यव का, कहीं 8 यव का रत्ती माना है। फिर वापिस उड़द से तुलना की है तो धान्यमास द्वयो यव धान्यमास समो यव करके, और जो यादव जी ने रिकमेंड किया या हरिप्रवन शर्मा ने या अग्निहोत्री ने जो लिखा उस बात को मान के, और 2 यव या 2 उड़द का 1 रत्ती मानना और धान्यमास समो यव करके उन्होंने उसका मध्यम मार्ग निकाला है। कलिंग और मागध मान और फिर तो रसशास्त्र के मान को देखेंगे तो काफी कुछ वितंडा उसमें मिलेगी। तो लोह योग निर्माण में 2 तरह के क्रम चलते हैं, भानुपाक स्थालीपाक पुटपाक, और दूसरे में मारण स्थालीपाक और अमृतिकरण जिसको निष्पत्ति पाक कहते हैं। तो रसेनसार संग्रह में भानुपाक स्थालीपाक पुटपाक इस तरह का है, और यही अमृतसार लोह में भी है किंतु वहां पे उन्होंने मारण लिखा और पुटन लिखा और निष्पत्ति पाक लिखा। तो निष्पत्ति पाक अमृतिकरण की तरफ जाएगा और ये पुट मारण में भानुपाक और स्थालीपाक आ जाएगा और पुटपाक में पुटन आएगा, ऐसा करके इसको देखें। और ये लोह योग में भी चतुर्वर्ग सिद्धि है, जब पारद का कम उपयोग होता था तब स्थिति ऐसी, लोह का महत्व था। तो सब देखिए कि सब अलग अलग लोह के भेद हैं। आज तो हम 3 लोह भी ढंग से नहीं पहचानते हैं, कोई मानक नहीं है, बाजार से कुछ भी लोह का स्क्रैप लेकर के हम पशु बना रहे हैं। मानक होते हुए भी कुछ न कुछ उसमें इस तरह की स्थिति आती है, सब तीक्ष्ण लोह का बनाया और किसी ने रिसर्च भी किया तो ब्लेड ले लिया तीक्ष्ण लोह के नाम से, स्टेनलेस स्टील का ब्लेड होता है इसलिए, किंतु उसमें जो क्रोमियम और निकल है प्लेटेड तो वो तो टॉक्सिटी करेगा। तो सब हमको तीक्ष्ण लोह लेना है, वैसा लेना चाहिए, वैसा नहीं लेके शोध कार्य करें, तो इसलिए मानक पहले चाहिए। और इन लोगों ने इतने तरह के लोह बताए और इन इन व्याधियों में रिकमेंड किया। तो रसेनसार संग्रह देखें तो पहले के वैद्य रस चिकित्सक ज्यादा सूझबूझ वाले थे और इनको इन लोहों का पता भी था, और ये सुश्रुत से ये भेद हैं सारे। तो व्याधियों के नाम मैं नहीं पढ़ूं, आपके सामने लिखे हुए हैं और ये लोहों के भेद लिखे हैं और इनका प्रयोग लिखा था। ये प्रयोग इन व्याधियों में करना है प्रोसेस करके, तो अलग अलग व्याधि के लिए यश कृते यल लोहम पक्तव्यम, जो आदमी के लिए लिखा कि सब प्रकृति के अनुसार हमको ऐसा करना चाहिए, औषधियां उपयोगी हो वो रखो नहीं तो हटा दो, ये सारी बात संश्लेष और विश्लेष के कॉन्सेप्ट में विचार है। तो साहब ये पुटन भावना द्रव्य अलग अलग व्याधियों में अलग अलग भावना द्रव्य बताएं, जो अग्रवर्ग के द्रव्य हैं उनको डालना, तो सामान्य मारण के बाद विशेष मारण के रूप में, प्रयोजन विशेष के लिए व्याधि प्रत्यनिक रसायन के रूप में औषधि तैयार करने के लिए इस तरह के रेफरेंस मिलते हैं। तो इनको आप देखें विचारें और अगर काम में ले सकें तो अच्छी बात है। हमने तो एक लोह का भस्म का मानक बना दिया और जहाँ भी लोह योग बन रहे हैं हर व्याधियों के लिए वही काम में ले रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट उन लोगों ने विचारा था, इनके मानक बनाना तो अभी दूर की कौड़ी है, हम अभी जो है उसका भी मानक नहीं बना पा रहे हैं, तो थोड़ा इसको भी विचार करके रखें। रसशास्त्र या संश्लेष विश्लेष के लिए जब एक्सपर्ट को आजाद रखा और उसके आधार पे उसको करना है, तो जो शास्त्र में उल्लेख है और उनका अनुभव है उसको तो कम से कम हम विज्ञापित कर पाए, समझ पाए, तो ऐसा हो नहीं पा रहा है। मानकीकरण के नाम से जो कुछ हम कर रहे हैं वो आईपी की देखा देखी नकल कर रहे हैं, और सब कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ पैसा आएगा भारत सरकार को, वो भावना उसमें है, तो दोषपूर्ण तो वो भी नहीं है, किंतु जहाँ रसशास्त्र या आयुर्वेद के विकास की भावना है वहाँ दूर होते जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये अलग अलग योग से भावना मर्दन करना है अलग अलग व्याधि के लिए, सामान्य मारण के बाद निरुक्त लोगों को आगे ऐसा ऐसा करिए, ये सब रेफरेंस शास्त्रीय क्रम में आपको मिलेंगे। अब एक और खासियत है, एक ट्रीटीज अच्छी लिखी गई, आप लोग परिचित होंगे लोह सर्वस्व से या लोह पद्धति से, सुरेश्वर का है। और इन्होंने क्या किया कि रजत को कम रिकमेंड किया और बाकी 4 लोहों के ही 5 लोहों के ही उन्होंने काम में लिए और उनके कुछ फॉर्मूले बनाए, और फिर ट्रीटीज में
72 फॉर्मूले कंपाइल किए उन्होंने कि निर्द्वंद है और जैसी फलश्रुति लिखी है वैसा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे कोई और भी योग अगर आप बना के और समझ सको तो उसको इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी बहुत सारे योग हैं जो वैसे ही बना दिए परिकल्पना से, उसको हम यहाँ पे रिकमेंड नहीं करते। ऐसा करके उन्होंने कुछ किया। तो सब लोहादि धातुएं जो हैं उनका पृथक से प्रयोग करेंगे तो 4 योग बनेंगे, 2 लोहों को मिला करके प्रयोग करेंगे तो 6 योग बनेंगे, 3 लोहों को मिलाकर प्रयोग करेंगे तो 4 योग बनेंगे, और चारों लोह मिलाकर प्रयोग करेंगे तो 1 योग बनेगा। यहाँ लोह से मतलब स्वर्ण रजत आदि से है, तो रजत नहीं ले रहे हैं, ताम्र लिया और इस तरह से किया है। तो देखिए इन्होंने 15 फॉर्मूले बनाए और उनका टर्म दिया है कि सब तीक्ष्ण लोह भस्म से जो योग बनेगा उसको सिद्धामृत बोलेंगे, अभ्रक भस्म से सत्व भस्म से जो योग बनेगा उसको दिव्यामृत बोलेंगे, स्वर्ण भस्म से जो योग बनेगा उसको कनकामृत बोलेंगे, और ताम्र भस्म बनेगा उसको सुलमामृत बोलेंगे। एक एक लोह से, और ये 4 लोह से उन्होंने 15 परिकल्प करके और आपके सामने दिया है। और तीक्ष्ण अभ्रक को इन्होंने तीक्ष्णाम्बुदम बोला, अभ्रक ताम्र को अम्बुदार को बोला, स्वर्ण व अभ्रक को हेमाम्बुदा बोला, स्वर्ण व ताम्र को कांचन भास्करम बोला, और लोह व स्वर्ण को तपनायस बोला। इस तरह से ये स्वर्ण व लोह को हेमा यशांख है ना, हेमा यशाख्यम बोला। ऐसा करके फिर 3 लोह वाले फॉर्मूले उसको कनकाम्बुदायस बोला। इनमें काष्ठोजी चूर्ण और भावना द्रव्य अलग हो सकते हैं, किंतु जो क्लासिफिकेशन है उसमें 3 लोह साथ में होंगे, 4 लोह साथ में होंगे, इस तरह का। और ऐसा उदाहरण आपको चक्रदत्त में रसायन चिंतामणि में मिलता भी है कि जहाँ अमृतसार लोह दिया उसके आगे उन्होंने लोह और अभ्रक, ये हाँ लोह और अभ्रक का रेशियो भी दिया, और आगे ताम्र का भी बना करके तीनों मिला के भस्म बनाने का भी प्रोसेस दिया। तो शास्त्र को हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं तो ये चीज नोटिस में नहीं आती, किंतु फिर भी आप देखें कि साहब ताम्र अभ्रक लोह को भास्कर वारिदायस बोला, स्वर्ण ताम्र लोह को हेमार्क लोह बोला, और अभ्रक ताम्र स्वर्ण को गगनार्क का कांचन बोला, और उसके बाद सर्वस सभी चारों को मिला के जो योग बना वो तीक्ष्णाम्बुद हेम भास्कर ऐसा नाम से बोला। ऐसा करके ये 15 विकल्प उन्होंने 4 लोहों के बनाए, और पूरे 75 फॉर्मूले जो इकट्ठे किए उनमें यही 4 लोह प्राय हैं। दूसरी धातुएं इन्होंने काम में नहीं ली, पूती लोह या मिश्र लोह ऐसा उन्होंने फायदा करने वाला या रसायन कॉन्सेप्ट में नहीं माना। अमृतसार लोह नागार्जुन का लोह शास्त्र का है और 96 श्लोकों में चक्रदत्त से शुरू हुआ है ना, चक्रदत्त ने कंपाइल किया, उसके पहले वो कुछ और स्वरूप में होगा, किसी श्रोत्रिय ने उसकी कविता बनाई, छंदों में श्लोक बनाए और वो वहां लिखा, तो उसको समझने में हमको दिक्कत होती तो शिवदास सेन ने टीका करी। और रसायन चिंतामणि में यही बात आई तो शिवदास सेन की टीका के आधार पर ही मणिप्रभा टीका में मणिराम जी ने उसको लिखा। तो वयम एतद् विशदाक्षर ही ब्रूम, मतलब संक्षेप में हम बता रहे हैं, बाकी तो अमृतसार लोह बनाना बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो ये एक फॉर्मूला नहीं है, बाकी सरलोह के कल्प हैं उनको बनाने का एक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे इन्होंने एक बात भी लिखी है, द्रव्यांतर संयोगात स्वाम शक्तिम भेषजानी मुंचन्ति मल धूलिमत सर्वम सर्वत्र विवर्जये तत्सम, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हमको औषध निर्माण के समय बिल्कुल सावधानी से जीएमपी को फॉलो करते हुए बनाना है। जितना कुछ हमको मिलता है वो खंडर के रूप में कुछ मिलता है, इनमें इतने स्टेप हैं नागार्जुन लोह में, इसको अमृतसार लोह बोला, नागार्जुन का निर्दिष्ट है इसलिए नागार्जुन लोह है, और इसमें उन्होंने ये प्रोसेस दिए हैं। साध्य साधन परिमाण लिखा है, मारण विधान दिया जारण के लिए है ना, स्थालीपाक दिया है विधि, पुटपाक विधि दी, उसके बाद में प्रधान या निष्पत्ति पाक दिया। तो पुटपाक के बाद में जो भस्म बनी या निष्पत्ति पाक का मतलब क्लियर अमृतीकरण की तरफ इशारा है, और मेथड जो पूरा प्रोसेस है वो बात पे कब प्रकृति के आधार पे त्रिफला के साथ में दूध दही या इस तरह के दूसरे द्रव्य का अनुपात वगैरह सब दिया है, और वात प्रकृति पित्त प्रकृति कफ प्रकृति के लिए जिसके लिए औषध निर्माण कर रहे हैं उसके लिए अमृतीकरण का क्लियर विधान अलग अलग दिया है, रेशियो अलग दिया है, प्रयोग विधि और पथ्यापथ्य ऐसा करके 96 श्लोकों में कुछ दिया हुआ है। तो रसायन शास्त्र संग्रह में वंगसेन में सभी किताबों में ये अमृतसार लोह मिलता है, कहीं कुछ पंक्तियां कम ज्यादा होगी, और इसके बाद में AFI में भी ये लोह आ गया और लोह भस्म के रूप में आया, बाकी कुछ नहीं। तो सब ये मात्रा भी दी उन्होंने SOP में, 5 पल से 13 पल तक का करना है,
है ना, 17 पल तक का, पंचपरादिक मात्रा तदभावे तदनुसार तो ग्राह्यम। तो ये साध्य साधन परिणाम में इन्होंने लिखा था, आपके पास कैपेसिटी ज्यादा है तो 13 पल से ज्यादा भी आप लोह लेकर के भस्म बना सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। और फिर औषधियां दी है कि सब भस्म बनाने के बाद में क्या क्या मिला ना उसमें, तो त्रिफला त्रिकटु चित्रकांत क्रामक विडंग चूर्णानी जाति फल जाति कोसैला कक्कोल लवंगानाम सिद्ध कृष्ण जीरोयोपी। तो सब भस्म बनाने के बाद अमृतीकरण करने के बाद में इन औषधियों का चूर्ण डालना है। इनमें से रोगी की प्रकृति के अनुसार अगर कोई विरुद्ध हो तो उस चीज को आप हटा दो, जो नहीं मिले तो मत डालो, किंतु 8-9 औषधि तो डालें। तो सब 9 श्लोक का कॉन्सेप्ट है, त्रिकुट त्रिफला मुखिया, और बाकी कांतक्रामक जो है ये त्रिमत की तरफ है। तो ये जो लाइन है त्रिकटु त्रिफला चित्रक ये मुस्तक और विडंग, तो 9 श्लोक का फॉर्मूला है, एक सामान्य दिया, और बाद में उन्होंने 9 औषधियों का या आगे 11 औषधियों का ऐसा करके 2 सोर्स मिलते हैं इसमें, आगे बात करेंगे। तो सब यहाँ पे ये सब जो है अकेली औषधि हो या टोटल औषधियाँ जितनी भी है सब मिला के लोह के बराबर होगी, इसलिए लोकल्प बनेगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो सब त्रिकटु विडंगा नियता, तो त्रिकटु त्रिफला और विडंग ये तो नियत है क्योंकि ये गिरी दोष और लोह दोष निवारक है, अन्य यथा प्रकृति है ना। तो यहाँ पे व्याधि की बात नहीं है, है ना, रोग प्रकृति या रोगी प्रकृति के आधार पे है, काला है दोष निवारण के लिए। और जाति फलादेर लवंगांतस्य क्षेप प्राप्त निरूपम सर्वस्योनस्य चैकाध्यायी, सभी का या एक का जो भी मिले उसको डालिए। और कांत कामक अकेला ही शेष है जो सारे दोषों को लोह के उसको खत्म करता है, इसलिए जहाँ जो लोह कल्प करते हैं तब दिन भर कांत कामक चर्वण का और निगरण नहीं करना, थूकते रहना, इस तरह करके कुछ कॉन्सेप्ट भी दिया है, तो हम इसको देखें। और ये द्विगुण त्रिगुण चतुर्गुण आज्यम ग्राह्यम यथा प्रकृति वात पित्त कफ प्रकृति के आधार पे आपको घी ज्यादा कम या ऐसा लेना है, ऐसा कोई करता नहीं है किंतु शास्त्र क्रम है, और कहीं लिखा भी है तो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। योग निर्माण में बाजार में सब बिना अमृतीकरण के औषधियां मिल रही है, तो यदि भेषज भूयस्त्वम स्तोकस्त्वम तथापि चूर्णा नाम, तो ये लोहकल्प का नियम है कि औषधि एक हो चाहे 50 औषधि हो, टोटल चूर्ण जो है वो काष्ठ औषधियों का लोह के बराबर लेंगे, है ना, चाहे कम औषधि है या ज्यादा है उससे कोई मतलब नहीं है। और जैसे 9 श्लोक है और उसका हमने रोहितक लोह बनाया तो कुछ नहीं किया, 9 औषधियों में रोहितक एक पार्ट और मिलाया और 10 औषधियों का टोटल मिलित चूर्ण के वजन के बराबर हमने लोह मिलाया, तो 9 श्लोक के ही द्रव्य है, एक रोहितक एक पार्ट और मिला दिया और 10 पार्ट लोह भस्म में ले लिया, तो रोहितक लोह बन गया। तो ये आभाप और उसमें से संश्लेष और विश्लेष वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, वो महार्थ अल्प के बहुत कार्यकारी होने के कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पे थेरापेटिक डोज में रोहित तक नहीं जाएगा, किंतु लोह के साथ में इतनी सी मात्रा भी रोहित तक की अगर हजम हो गई तो टारगेट पे इस हेपेटो स्प्लिनोमेगेली के लिए बहुत अच्छी औषधि होगी, उस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम देखें। तो इस तरह से धातु के अनुसार तत्कथित औषधियां जो है उसमें मिला में सर्वतैव विदेश तत्कथित औषधस्योः। तो सब जैसे लोह भस्म से आप तैयार करते हैं तो उसको हमने 9 श्लोक बोला, ऐसे ही रोसरसों में ये निर्देश है कि साहब अगर लोह भस्म के स्थान पे हमने स्वर्ण ले लिया तो उसको हेम नवक कहेंगे, इतना मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि साहब धातु जितना है उसके बराबर काष्ठ औषधि चूर्ण मिलाना है, और ऐसे फॉर्मूले आपको मिलेंगे वो उन्होंने कंपाइल किए हैं शास्त्र में लोह सर्वस्व ने। तो सब ऐसी औषधि में ये सावधानी एसओपी के लिए है, परीक्षण है ना। तो और पुटने स्थालीपा के अधिकृत पुरुष से जो स्वाभाविक रूप अधिगमत है ना, प्रकृति के अनुसार अधिकृत पुरुष की जो स्वभाव है या व्याधि का जो स्वभाव है उसके अनुसार कथित औषधियों में से कुछ औषधियां आप है उन औषधियों को हटा दें और जो उचित औषधि हैं उनको उसमें मिला दें, ये अधिकार इन्होंने यहाँ आपको दिया है। तो निघंटुना विना वेद्यो विद्वानम व्याकरणम विना, उस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हमको हर एक व्याधि के लिए प्रकृति के लिए रोग के लिए हमको औषधि दोष अनुसार प्रकृति अनुसार तय करना है। पाक विधि में इन्होंने दिया है, इसको मैं नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना, घी दूध भी लिया है दही भी लिया है इस तरह से। तो सब दरमियान तो स्नेह पाक में जो आपके परीक्षण है उस तरह का परीक्षण यहाँ पे दिया, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इन्होंने ये दिया कि सब कुटन आदि प्रक्रिया में जो लोह है उसमें रूक्षता आ जाती है, जैसे चूना लाइमस्टोन है और उसको कुट दिया तो वो गर्म हो गया तो क्षारीय रूप में बन गया तीव्र, और उसमें रूक्षता ज्यादा है, तो सब उसका अमृतीकरण होना है।
तो सब शंख भस्म वगैरह का भी अमृतीकरण करना चाहिए। और सब कहाँ लिखा हुआ है, AFI में तो दिया नहीं, तो सब कंपनियां चुपचाप करके आपको देती। इस कंपनी का लो शंख भस्म अच्छा आता है, जीवन पे चीरे नहीं चलते, इस कंपनी में सब हो जीवन पे। तो वहां कोई BAMS वैद्य था, दवा बना दी आपके सामने आ गई, तो बदनाम तो आयुर्वेद हुआ, उस वैद्य का किसी को नाम का नहीं पता। तो देखिए इसको थोड़ा सा देखें, पाक विधि है, तो पाकम अधुना नागार्जुन सिस्टम अभी तद्म। तो सब ये अभ्यस्त कर्म वाले जो हैं, वो जो बिगिनर हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, वो भी समझ सकते हैं। ऐसा लोह पाक आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, करके उन्होंने पात्र दिया है, या जड़ पात्र लेंगे, मिट्टी का भी ले सकते हैं। और सतत चला तो पचेत अचपल, मतलब तले में चिपकना नहीं चाहिए मेटल का पाउडर। वनिना मृदुना निक्षेपे त्रिफला जलमुदितम यत्तद्यतंच दुग्धंच, सब मिला करके दर्व्या संलग्न होने पर समुत्पाट्य, इसे सिद्ध कर लें। तो गृह सिद्ध की परिभाषा की तरह इसमें होता है, ये एक चार्ट है जिसमें साधे साधन परिणाम के साथ में उसको टेबल रूप में आपके सामने रखा है। तो जितना थोड़ा आप समझना चाहें इसको देखिए, जब नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो तीर्थोपि पाको इति सर्वथा, तो यहाँ उन्होंने लिखा सब कुछ। सामान्य भी लोह भस्म देंगे तो क्या लिखा इन्होंने कि सब इति सर्वेशम गुणकृत एव न तो विफल। तो सब जो पेट में जाएगा वैसा असर करेगा, विफल तो नहीं होगा, किंतु तो अगर आप थोड़ा सा घृत मधु या ऐसा लिया सिद्ध किया स्निग्ध करके, तो कम से कम शरीर के अवयवों को नुकसान नहीं करेगा। तो विज्ञाय पाकम एवं राग अवतार्य क्षितो, तो सब ऐसा अमृतीकरण करके उसको नीचे उतार करके थोड़ी देर ठंडा होने दें, उसके बाद में उसमें त्रिफलादि चूर्ण का प्रक्षेप करना। तो ये जो नवाज चूर्ण बनाने का SOP है वो अमृतसार लोगों में लिखा है, और कंपनियां जितना भी SOP नवाज चूर्ण बना रही है, अभी तक तो नवाज चूर्ण का SOP तय नहीं हुआ। किंतु रसेंद्र मंगल में, जहाँ लोह रसायन है, रसायन प्रकरण में, वहाँ कफज ग्रहणी नाशक जो लोह रसायन योग है, वो नवाज चूर्ण का ही योग है, और उन्होंने वहाँ पूरा SOP दिया है, टाइटल नवाज चूर्ण नहीं दिया। तो ये संपादक का दोष है, शास्त्र का दोष नहीं है। और इसमें ये है कि साहब ये कर्पूर अगर मिलता है तो कर्पूर भी आप प्रक्षेप करो। तो सब कुछ योगों में जहाँ लिखा है वहां तो हम डालते हैं, बाकी लोह योगों में हम लोग कर्पूर नहीं डालते। और ये कर्पूर इनडायरेक्ट रूप में आपको वृक्क की जो फंक्शन है उसको बताता है कि सब कर्पूर योग दिया, मूत्र में कर्पूर गंध है, इसका मतलब वृक्क ठीक काम कर रहे हैं। और सब आपने दिया और वृक्क मूत्र में गंध नहीं है, इसका मतलब शरीर में लोह जो है अजीर्ण हो रहा है, नुकसान कर रहा है, आपको देना नहीं चाहिए आगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इन्होंने जिस जैसा लिखा है वैसा ही करके हम इग्नोर करके चल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कर्पूर डालने में क्या है, जहाँ लिखा है वहां डालेंगे, बाकी नहीं डालेंगे। तो सब पहले ही एक जगह लिख दिया है लोह शास्त्र में, तो हर लोह कल्प में आप कर्पूर डाल सकते हैं। तो सब ऐसा जो है वो जो योग है उसको इस तरह से रखना लोह भांड में। तो सब आजकल तो हम लोग प्लास्टिक के डिब्बे में गोलियां भर के रवाना कर देते हैं। तो सर यदि तू परिप्लुति है थे घृतम इच्छेत, सब घी ज्यादा दिखाई दे प्रोडक्ट में, तो फिर उसको निथार करके अलग कर लो। ये त्रिफला घृत है, और आगे योग निर्माण के समय अमृतीकरण में काम में लेना, या इसके साथ ये लोह भस्म दे देना, तो आपको नुकसान नहीं करेगा, शरीर में नुकसान की संभावना कम रहेगी। एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, ऐसी विरुक्षी भूते स्नेह त्रिफला घृते न संपाद्य। तो सब जो रूक्षण है उसको हटाने के लिए अमृतीकरण नहीं करो, तो कम से कम त्रिफला घृत तो मिला दो थोड़ा, है ना, मोयण तो चिपड़ दो। स्नेह नियम अत्यंत कफ प्रकृति के लिए उन्होंने लिखा कि खर पाक करना है और चूर्ण रूप में देंगे, या केवल लोह भस्म में भी दी कफ प्रकृति वाले को, तो उसमें स्निग्धता होने के कारण से इसके गुण आएंगे, कुछ गुण तो मिलेंगे। इस तरह से कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर लिखा है। ये एक लोह अभ्रक योग में रेशियो दिया है कि लोहा चतुर्थार्ध सम द्वितीय चतुर् पंच गुणा भाग। तो सब ये चार भाग लोह में, एक भाग अभ्रक, दो भाग अभ्रक, चार भाग अभ्रक, इस अनुपात में लेते हैं तो सब 20 भाग अभ्रक तक आप ले सकते हैं। इस रेशियो के अलावा कम या ज्यादा लिया ये दूसरे रेशियो में, तो वहां पे जो हानि होती है, भूख प्यास मर जाएगी, इवन मृत्यु तक हो सकती है, इस बात को इन्होंने लिखा है। तावन मानानुस्मृते स्यात् त्रिफलादि द्रव्य परिमाणम इदम आप्यायकम इदम अतिपत्तिनो इदम एव कांति बल जननम। तो सब पूर्व रेशियो जो है उसमें लेंगे तो काम करता है, और परम अधिक मात्र या क्षिप्तम
इससे ज्यादा मात्रा में रेशियो बदल के आपने डाला तो सब स्तपनादि त्रुटो परम अधिक मात्रया, तो सब ये सारी चीजें पहले लिखी हुई है और हम लोग कितना समझ पा रहे हैं या फॉलो करते हैं वो देखिए। तो सब ये इस तरह से लोह को कल्प क्रम से देना है, उसके लिए सारे उन्होंने अनुपान सहपान सब दिया है। और अजीर्ण हो जाए तो उसके लिए भेषज बताई है, जीर्णे लोहे त्वपतिति चूर्णम गुंजीत सिद्ध सारख्यम। तो सब अगर लोह जीर्ण होकर के नहीं आवे और शरीर में रुक जाए, किट बने या कोई हानि कर रहा है, अपाय हो रहा है, तो उसके लिए सिद्धसार चूर्ण उन्होंने देने को रिकमेंड किया है। तो लोह व्यापन नश्यति, इसे लोह विकार शांत होंगे, विवर्धते जठरो वन्नी। तो सिद्धसार चूर्ण है वो हम रसौधि कहेंगे, उसको आयुर्वेदिक औषधि नहीं कहेंगे। तो सब शंकरेण समाख्यातो करके शंकर मत लोह दिया, दुर्णामारी लोह के नाम से भी है ना, या ईश्वर मत्र लोह भी कहते हैं। तो इस तरह से ये इन्होंने तो संकल्प लिया कि सब ये लोह बना के दोगे तो शरीर में अर्थ नहीं रहेगा और बाकी व्याधियों में काम करेगा। तो पथ्या सैंधव सुंठी मागधी का नाम पृथक समूह भाग, सब औषधियाँ प्रत्येक अलग अलग एक एक भाग लेना है, तीव्रता दो भाग लेना है और नींबू रस की भावना देके चूर्ण बनाना है। तो 3 या 7 भावना नींबू रस की देना तो सिद्ध सार चूर्ण बनेगा। और ये सिद्ध सार चूर्ण लोह दोष निवारण के लिए या किट पातन के लिए अपेक्षित है। लोहा जीर्णोद्भवे सूले, तो सब कृमि रिपु लीडम सहितम स्वरसेन वंगसेन, तो अगस्त पुष्प स्वरस या पत्र स्वरस के साथ में विड़ंग चूर्ण देना है। और ये क्षपयत्य चिरान्नियतम लोहा अजीर्णोद्भवम सूलम, इस पे तो कुछ काम भी हुए हैं और लोह विकार शांति के लिए लोहा जीर्ण के लिए रिकमेंडेड है। अब ये सब जो औषधियां हैं इनको हम लोग अनुपान भेद से देंगे तो काम करेगा। और औषधियां भी अगर आहार भी अगर ढंग से नहीं लिया गया तो विषवत हो जाता है। तो ये अमृत है उसको भी अयुक्त युक्त प्रयोग करेंगे तो लोह भी नुकसान ही करने वाला है। तो अन्नम वा द्रव द्रव्यम वा यथा अनुपानेषु धातुषु क्रामते एवं क्रामण योगाद रस राजो विशति लोहेषु, तो सब धातु शरीर धातुओं में और लोहों में रसरा जो है क्रामण योगों से रहता है। और ये क्रामण शब्द जो है क्रामण संस्कार है और क्रामणम लोहेशु क्रामणम देहेशु, तो सब ये शब्द और परिभाषा ही हम लोग जानते हैं, व्यवहार में लेना नहीं सीख पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं। रस चिकित्सा में इसका महत्व है। अन्नम गोधुमादिकम द्रव्यम औषधम अनुपानेन सह जलादिना, तो ये क्रामण है वो अनुपान है। धातुषु मांसादि सप्तसु धातु क्रामते व्यापनोति अमुना वक्षमाण विधिना क्रामण योगात विशति, तो सब हम लोग अगर रसत्नाकर का रसायन खंड पढ़ें तो वहाँ पे अनुकल्क अनुचूर्ण क्रामण चूर्ण क्रामण कल्क क्रामण द्रव ऐसा करके कुछ लिखा है। तो जो हमने कुछ प्रोसेस करके कोई चीज बनाई उससे काम होने वाला नहीं जब तक कि हमको क्रामण का ज्ञान नहीं है। तो सब ये अनुपान बलाद अंगे प्रसरपति का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए क्रामण संस्कार और क्रामणम देहेशु ये रस चिकित्सा में बड़ा महत्व रखता है और इसको समझना चाहिए हमको। रसवीर विवर्धम, सब बाद में आहार विहार में इन चीजों को औषधि के गुण ढंग से हमको पूरा मिले इसके लिए लिखा हुआ है, क्लियर लेना चाहिए है ना। तो उपचार विधि में द्राक्षा दाढ़ीम खरजूर कदली फलम भजेत रसवीर विवर्धम, ठीक है ना। दधि क्षीरेक्षु शर्करा शीतोपचारम अन्यच्च, ये सारे हमको लेना है क्योंकि रस में जो है वहाँ उष्णता है तेज है ओज वाला। तो जीर्ण असनी यदि आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट भी कहता है अजीर्ण में अगर सेवन करेंगे आहार तो और ज्यादा जो व्याधियां होगी और रस का परिणाम जो है वो उत्तरोत्तर आगे से आगे आम उत्पन्न होता जाएगा, सभी दोषों को प्रकोप करेगा। और जीर्णे तो गुंजानस्य, और जीर्ण होने पर जो भोजन करता है उसको स्वस्थ स्वस्थ अग्नो चोदीर्ण जातायाम, तो सब दोष अपने स्थान पे रहेंगे और अग्नि उदीर्ण होगी बुभुक्षा लगेगी। तो विर्वतेषु च स्रोतसु, और स्रोत मुख जो है खुल जाएंगे, स्रोत श्रुति होगी। तो वातानुलोम्य वात मूत्र पुरी सम आहार जातम तस्मात जीर्णे न असनीयात, चरक विमान ने एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो औषधि अजीर्ण में भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम थेरेप्यूटिक डोज जो शास्त्र में लिखी है उसको सीधा फॉलो नहीं करें, सामने वाले पेशेंट की जो है ना मात्रा के लिए सिद्धांत है
वो माथा नाथ सेवा सारम आदि करके दोषम अग्निम बलम वय उन सबको कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमको उम्र के अनुसार मात्रा तय करके देना चाहिए। वो हजम होगा तो अग्निदीपन और सारा स्रोत शुद्धि वगैरह सब होगा, और वो हजम नहीं हुआ तो ये होने वाली स्थिति नहीं है। सम्यक परिपाक के लक्षण लिखे हैं और मात्रा के साथ में पथ्य ले अन्न है ना, वो भी जीर्ण नहीं होगा। चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या पर जाग रही, तो सब मात्रावत पथ्य लिया, अन्न भी लिया मात्रा से, किंतु उसका जारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि सब चिंता शोक भय क्रोध आज के जीवन में ये सारी चीजें होती है ना, या तो ज्यादा सो लिए या रात भर जगते रहे, तो ये सारी स्थितियां वो है जिनका हमको फॉलो करना पड़ेगा। और नहीं तो रसौषधि चाहे कितनी पावरफुल हो, शरीर में कोई काम करने वाली नहीं है। मानसिक भावों को ध्यान में रखना पड़ेगा है ना। और फिर एक अंत में ये आया है कि लोह रसायन करके एक प्रोडक्ट है, समय काफी हो गया तो मैं इसको डिटेल में नहीं करूंगा, किंतु ये रेफरेंस आप क्रॉस चेक करें, आपको एसओपी समझ में आएगा रसायन के कॉन्सेप्ट में। तो रस चिकित्सा में आयुर्वेद में जो बात है वो केवल व्याधि निवारण की नहीं, करके स्वस्थ आदमी का स्वस्थ जीवन लंबा हो, आयु लंबी हो, उसके लिए हमको इन सब चीजों को फॉलो करना है। और कई नाम से ये लोह लिखे हैं, इन सबको देखेंगे तो वो वारित्र लोह निर्माण विधान, और फिर लोह का योग बनाना है, और फिर उसमें कुछ काष्ठोस्तियों की भावना देनी है, उसके बाद उसमें कुछ 11 औषधि या 9 औषधि का चूर्ण मिलाना है, 2 सोर्स मिलते हैं है ना। और उसके बाद तो ये टुकड़े टुकड़े में संकलन हुआ, उसके बाद ये अलग अलग फॉर्मूले बन पड़े, और ये सारा आप इन नामों से योग जो देखते हैं उनको आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपको लोह कल्प बनाने का तरीका मिलेगा। और सामान्यतः वारित्र लोह विधान भी वैसा ही है, तो सब हम लोग तो लोह भस्म बना के और काम में ले लेते हैं, वारित्र लोह तो करते नहीं है, और वारित्र लोह करते हैं और आगे फूट दे देते हैं, तो फूट दे दिया पारद गंधक निकल गया तो फिर वारित्र नहीं रहेगा लोह। तो सब वारित्र बनाने के 6 मेथड आपको योग रत्नाकर में मिलेंगे, किंतु ये जो रेफरेंस है आप इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करेंगे तो आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, और लोह शास्त्र के बारे में हम लोग क्लियर हो पाएंगे कॉन्सेप्ट में। और कभी भी वो इस तरह से बनी हुई दवा शरीर के अवयवों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इतना मेरी समझ है, जो अलग अलग स्थानों पे जो कुछ दिखाया, क्योंकि टीकाकार भी समय पूर्व रस और फिर अग्निनामा रस दे दिया, किंतु रामराज प्रोक्त है, किंतु क्या है कि ये एक फॉर्मूला जो सांग्रे संहिता मध्य खंड के 12वें चैप्टर में है, आखिरी फॉर्मूला है, और इसकी टीकाएं पढ़ो, और फिर जो ये कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं अलग अलग, इन सबको क्रॉस चेक करो तो ये एक ही प्रोसेस मिलेगा लोह रसायन बनाने का। और रस रत्नाकर में 11 औषध वाला या 9 औषध वाला एक जगह इस तरह से करके कुछ कॉन्सेप्चुअल दिया है, साहब इतनी औषधियां तो कम से कम है, फिर प्रकृति के अनुसार व्याधि के अनुसार दोष के अनुसार आप अग्र वर्ग के औषध को उसमें मिला के और लोह कल्प देंगे तो कम मात्रा में औषधि भी अधिक कार्यकारी होगी और रसायन प्रभाव रखेगी। इसका मतलब व्याधि प्रत्यनिक रसायन के रूप में उसको आप देख सकते हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो ये इतने रेफरेंस जो है आप इसको क्रॉस चेक करिए तो अपना लोह कल्प बनाने का एक कॉन्सेप्ट चलेगा। सिद्ध योगेश्वर सूत्र उसी क्रम में है, सारे फॉर्मूले रेफरेंस हैं, इन सारे रेफरेंस को एक बार आप टीकाओं सहित क्रॉस चेक करके पढ़ें तो आपका एक लोह विज्ञान अलग बनेगा। नहीं तो अभी जो हम लोग लोह भस्म के मानक बना रहे तो लोह के तो बहुत सारे स्थितियां हैं, तो साहब यहाँ भी जैसे रस सिंदूर बनाने का था वैसे ही रस कर्पूर बनाने में भी इन्होंने केवल सैंधव और पारद से बनाया है ना, और कहा कि साहब रस कर्पूर बनेगा और पारद नहीं हो तो हिंगुल से भी आप बना सकते हो, और उसके बाद जो बनेगा एक बार करने से रस सिंदूर बनेगा और बार बार करने से ये पारद अग्निस्थायी होगा, बंधम इच्छति ऐसा करके लिखा है। और फिर लिखा है साहब ताल मिश्र तार कर कुष्ठ हरम विशेषेण, तो साहब ये सिद्ध ताल भस्म इसमें मिलाएंगे तो रजत निर्माण का भी काम करेगा और कुष्ठ हर तो होगा ही विशेष करके, तो इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो कुष्ठ के लिए भी हम औषधि बना सकते हैं, किंतु तो हम लोग 2 लाइन के श्लोक को पढ़ के सामने जो हिंदी लिखी है उसके आधार पर जब रिसर्च करेंगे तो हमारे साथ दिक्कत है। और फिर इन्होंने ये लिखा अनुत्थाने चापसूच सर रस लवण पिंडो निधेय, तब इसमें से रस कर्पूर अगर ऊपर नहीं मिले अलग से कूपी में तो आप उसको रस लवण के पिंड को आप पानी में घोल दो तो लवण तो घुल जाएगा और जो अविलेय पदार्थ है वो रस कर्पूर आपको मिल जाएगा। इस तरह से इन्होंने ये रस कर्पूर यहाँ एसिड का काम में नहीं लेके बनाया, मतलब वो लोग ज्यादा समझदार थे और हम लोग फॉर्मुलेशन और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद में हम इस तरफ काम करने से भी कतराते हैं। एक परपटी विधान का कॉन्सेप्ट है तो इसमें इन्होंने 3 तरह की परपटी बनाई है,
एक ही श्लोक में लिखा है कि शशि हाटक हेली दलम रस वलितम एक मर्दितम बलिना। आगे जो लिखा है इसको फॉलो करना है आपको, जिस व्याधि के लिए, जिस प्रकृति के लिए, जिस द्रव का आप उपयोग करना चाहें उसकी भावना दे करके फिर परपटी बना करके आप काम में लें। तो रस कजली, धातु कजली बनाने के बाद हम रस परपटी बना लेते हैं सीधा, किंतु जो लिखा है इस बात को हम महत्व नहीं देते। सर इसका काफी अंतर आएगा, आपको ये भावना देके बनाने का आना चाहिए। अब बात आ रही है दलम की, तो सब दलम इति भाग परम न तु तबकम, ठीक है ना। तो कहते हैं सबने यहाँ पे जो है दल शब्दो अत्र भाग पर है। क्यों है ऐसा कि सब ये वहां दलम इति तबकम लिखा है जहाँ मकर ध्वज बनाया पूर्णचंद्र रस में, और यहाँ टीकाकार वही है किंतु इन्होंने दलम इति भाग परम लिखा है। क्यों? कि यहाँ पे शशि तो चंद्रमा, हाटक मतलब स्वर्ण और हेली मतलब ताम्र, तो सब स्वर्ण और रजत में तो कोई रिस्क नहीं है, इसके वरक तो हम लोग खाते हैं सीधे कच्चे ही, इसलिए कोई नुकसान नहीं करता ऐसा मान लेते हैं। ताम्र से डरते हैं, ये हैवी मेटल है और इस तरह का, इसलिए भस्म लेना है। तो दलम मतलब यहाँ पे फॉइल नहीं लेकर के आपको भस्म लेना है एक भाग में, और तीन परपटियों के फॉर्मूले एक साथ लिखे, किंतु इष्ट रस पिष्टम अतः, ये बात जरूर ध्यान रखना है। प्राय इस पे हम क्लास प्रैक्टिकल में कभी बच्चों को नहीं प्रैक्टिस में लेते हैं, और जो बना के लेता होगा काम में वो रिजल्ट आते हैं ये मानेंगे। तो राजस्मा परपटी रस ऐसे अश्वरी में है, पंचामृत परपटी, बहुत सारी परपटियों के कल्प हैं, एक बुक अच्छी लिखी जा सकती है इस पे। स्वर्ण प्रयोग कहाँ करते हैं वो क्लियर है, आप सभी जानते हैं, किंतु हम लोग पेशेंट आया नहीं और सब जो धन्वंतरि भाग, रुद्र भाग, सोहन, तो सब हमको लिखना है, तो ऐसा नहीं करके पंचकर्म के बाद दो, और इन पंचकर्म से या सर्वौषधि प्रयोग से या विष प्रयोग से जब व्याधियां ठीक नहीं हो तब स्वर्ण का प्रयोग करना चाहिए। इसको हम भूल गए है ना, और दे रहे हैं तो उद्देश्य कुछ भी हो, हजम होगा तो गुण करेगा, नहीं तो क्या करने वाला है। तो ताप सूतक और इत्र, तो साहब ये तापीय सूतक का जो है वो सामान्य संस्कृत सूतक के लिए बताया है, व्योमगामित्व की स्थिति आती है विशेष संस्कृत सूत के साथ में तापीय का जारण करके, और अगर हम सिद्धि करें तो वहां पे तो इसका विशेष गुण है, इसलिए ये स्वर्ण का प्रयोग तापीय सूतक जो है उसके शिला जंतु प्रयोग से, तो जो तापीय सूतक वाला प्रयोग है ये तो व्योमगामित्व तक देता है, इसके लिए इन्होंने ये कमेंट्री लिखा है। एनीवे ये पलम मृदु दलम स्वर्ण चंद्रोदर मकर ध्वज के नाम से जो कुछ है इसको सारा मैं नहीं पढ़ता हूँ, किंतु इसको शास्त्रांतर में मकर ध्वज कहते हैं, ये रसायन चिंतामणि के ओरिजिनल ऑथर ने लिखा है, और इसमें जो कि प्रोसेस दिया है, तो भावना द्रव इसमें भी नहीं डालते हैं, वीड इसमें भी काम में नहीं लेते हैं, किंतु सब कुछ शास्त्र में तो दिया हुआ है क्रम, तो किंतु हम लोग सीधा केमिस्ट्री की तरह काम करके और स्वर्ण सिंदूर और स्वर्ण भस्म बना के अलग अलग काम में ले रहे हैं, नाम इसका बदनाम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। अच्छे अच्छे विद्वान हम इसी लाइन में हैं, इसमें एसओपी का देखना है आपको कि सब ये स्वर्ण के एसओपी अष्ट संस्कार पारद हिंगुलोत्तर पारद इनसे अलग अलग बनाओगे, स्वर्ण भस्म का रेशो अलग अलग होगा और क्रम अलग अलग होगा, ऐसा करके 150 तरीके से आप मकर ध्वज बना सकते हैं, शास्त्रीय क्रम में आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। रसादि कुटी प्रथम है यह, इस पे हरि प्रपन्न शर्मा जी ने जो कमेंट्री दी है वो कमेंट्स देखने लायक हैं। तो सब इन्होंने जो यहाँ रसवली घनसार करके जो दिया है यहाँ पे इन्होंने लिखा है सब रस शब्द है ना पारदो ग्राह्य, तो सब रस शब्द है और पारण देना है सच भस्म रूप है। तो सब हमको ये देखना है कि व्याधि निवारण के लिए लेना है तो बलिजारित लेना है, और आपको पिंडस्तरी के लिए लेना है तो भस्म रूप में लेना है। क्या तरही सर्वो उत्तम तद अभावे रस सिंदूर आदि रूपो मूर्छितो ग्राह्य। तो सब वसंत मालती भी बनाते हैं तो वहां हिंगूर लेते हैं, उसकी बजाय आप मकर ध्वज ले सकते हैं, स्वर्ण भस्म भी है उसमें और ये भी है उस तरह से, तद अभावे विशुद्धो द्युति रूप। तो हम किस लेवल पे कंप्रोमाइज करके नीचे आ रहे हैं, सर्वोत्तम किसको बता रहे हैं, और फिर जब बनाने या शोध की बात आती है तब हम कहाँ जा करके टिकते हैं, और फिर कहते हैं साहब हम लोग रसशास्त्र में, तो रसशास्त्र का तो भला हम क्या कर पाए, वैसी स्थिति हो रही है, तो थोड़ा इसको विचारें। इसलिए रसादि कुटी का प्रथम को आपके सामने रखा, तो सब सकल समुत्थित करके जो लिखा ना, सारे दाह को ठीक करता है मुंह में रखने से गोली, तो सब शरीर में कहीं भी दाह हो, मुंह में दाह जलन वगैरह हो, इसके लिए इन्होंने ये दिया है। किंतु यहाँ जो रसवली घनसार जो लिखा है यहाँ पे इन्होंने रस जो है वो कैसा लेना, कपूर लेना कैसा लेना, उस तरह से स्थिति है। कामेश्वर मोदक में भी अलग अलग है,
कुछ लोग अपने अपने ढंग से अपने से आधा मूर्छित रस भी डालते हैं, दक्षिणात्य ऐसा करते हैं, सभी चूर्ण के पादान से घृत पादान से मधु ऐसा करके ऑथर ने लिखा है। तो सर्व चूर्ण त्रिगुणा सीतेति भट्ट, तो सब मूल श्लोक में कुछ और है और फिर अलग अलग क्रम में जो संश्लेष और विश्लेष की स्थिति है ना, तो लोग अपने ढंग से कुछ औषधि मिलाते हैं, कुछ हटा देते हैं, तो रिजल्ट के लिए उस जैसा जब पेट में जाएगा उसका रिजल्ट मिलेगा ये मानी है। तो सब चूर्ण रत्न करके दक्षिणात्य मत में कुछ रसिन चिंतामणि में दिया है, तो यहाँ पे चूर्ण रत्न में ये वर्षगण का जो चूर्ण है वो लेना है, उसके साथ में पुटपक्व अभ्रसत्व भस्म सीता और रस्यात परम अतिवृष्यम रसायनम चूर्ण रत्नम इदम, तो सब ये रसायन होगा, वृष्य होगा, वाजीकरण होगा। तो यहाँ पे मुक्तेतम चाभ्र का सत्वम बिना जो है ना, न चान्यत इह रसायन तत्वम, तो यहाँ पे पारद नहीं है, फिर भी ये औषधि अच्छा कार्यकारी होगी वाजीकरण के लिए, वृष्य के लिए, खास करके वृष्यगण के चूर्ण इसमें काम में लिए। किंतु यहाँ पे भी जो संश्लेष किया तो गंधमूर्छित रसम अपरात्पादिकम दधीति दक्षिणात्या, तो सब अलग अलग परंपरा में स्कूल ऑफ थॉट में कुछ ऐसा मूर्छित रस भी उसमें मिलाते हैं, ये आपको दिशा निर्देश है, इसके आधार पे आप आपोद्वाप कर सकते हैं। धन्यवाद। ये निष्कर्ष के नाम से तो मैं इतना ही लिखूंगा कि यथेष्ट फल प्रमाण में उनका प्रयोग कराने से पूर्व, मतलब औषधियों के रिजल्ट चाहिए, रस औषधियों के या योग सूत्रों के, तो आपको पहले क्षेत्रीकरण रसास्त्रीय संशोधन जो पंचकर्म है वो करने के बाद क्षेत्रीकरण आवश्यक है, उसके बाद में मानकीकरण, विषाक्तता, गुणवत्ता, सुरक्षा, आंसू प्रभावकारिता, इस क्षेत्र से आगे अनुसंधान की आवश्यकता है। तो हम लोग क्षेत्रीकरण करके प्रयोग करेंगे तब भी बहुत सारी जो अनवांटेड एडीआर हैं वो नहीं होंगी, किंतु क्या है हरी वरी करी के युग में हम मकर ध्वज भी दे देते हैं, चाहे ज्वरित पेशेंट है तब भी दे देते हैं, है ना, वो सब पालना नहीं करके, और चमत्कार है, हम तो कभी एडवर्स रिजल्ट तो बताते ही नहीं है, किंतु फिर भी शरीर में हजम होगा तो काम करेगा, और हजम नहीं होगा, अजीर्ण होगा तो अवयवों में नुकसान करेगा, वो निश्चित है। इसके लिए जो रसशास्त्र का शरीर में सात्म्य करने का जो क्रम है विजातीय पदार्थ को, उसको हमको फॉलो करना चाहिए, जो अभी तक व्यवहार में कम ही रस वैद्य काम में लेते हो, बाकी तो सभी जैसे आए प्रिस्क्रिप्शन लिखा दवा दे दी और रिजल्ट मिल रहे हैं, ऐसा ही जो कंक्लूजन में इतना सा, और एक रसशास्त्र में जो है वो प्रिपरेशन तो काफी अच्छे बन सकते हैं, प्रोसेस हैं प्रिपरेशन के, अलग अलग दिए हुए हैं, अनुपात दिए हैं, बंदा आदि सब दिए हैं, है ना, इन सबके ऊपर क्रमण वगैरह इन द्रव्यों के ऊपर भी काम करना चाहिए, और इनके आकलन के लिए साइंटिफिकली अगर कोई आप पैरामीटर्स बना सकें, प्रोटोकॉल बना सकें तो अच्छी बात है, किंतु अभी तक कोई स्पष्ट ऐसा दिशा निर्देश मिलते नहीं है जहाँ संशोधन पूर्वक हम देते हों, और आपने धैर्य पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद, और समय की अधिकता रही उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद। हेलो, हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ, थैंक यू सर फॉर दिस धन्यवाद, मेरे ख्याल से इलेबोरेटिव आपको सेशन। दोनों क्या सुनने सुनाने वाले हैं। हेलो,
साहब, हाँ बोलिए सर। हेलो, हाँ मैं समापन करता हूँ। आपको धन्यवाद, यस धैर्य यस पूर्वक यस मुझे सुन लिया। अब कितना रिकॉर्ड हुआ ये यस आपके पास, आप जाने। कोई क्वेरी यस हो यस यस तो तो स्वागत मैं है बोलता हूँ। ना। और मैं इसको विराम देता हूँ, ओके आप लोगों ने ओके मुझे ओके समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।